हाँ भाई सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार गुड मॉर्निंग और सभी बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाइए उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप सभी का ये जो चैप्टर है सेट ये आज के लेक्चर में लगभग नाइन्टी परसेंट समाप्त हो जाएगा हंड्रेड परसेंट तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है क्योंकि ऐसा कहना उचित नहीं है ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं नहीं भी होते हैं तो मुझे लगा कि करवाना चाहिए पोर्शन वो मैंने आपको करवा दिया है अब कल की जो क्लास आपकी होगी ध्यान सुनना कल की जो क्लास आपकी होगी आ, वो शाम को होगी आपका टाइमिंग चेंज कर दिया है मैंने आपकी मॉर्निंग में होती है क्लास सात से आठ सवा आठ तो आपको अब इवनिंग में मिलेंगे अपन छः से सात ठीक है और कल से आपकी क्लास का टाइमिंग यही है मैं तो उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे लाइव क्लास लेते हैं ठीक है चलो और आपको पता है कल हमारा ऑफ़ हो गया था कल हमारी डिफरेंस उसकी कैलकुलस की क्लास थी अब देखो परिस्थिति ऐसी बन गई है उसमें क्या कर सकते हैं बताओ ऑफ करना ही पड़ा हालांकि आपके पास तो मैसेज ये आया होगा कि लाइट वाइट खराब हो गई थी गांव में लाइट नहीं आ रही वो तो खैर छोटे मोटे बहाने थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साइड में पड़ोसी हैं और उन्होंने क्या करा भाई सुसाइड कर लिया ट्रेन के नीचे आके अब विश्वास नहीं हो तो दोसा भास्कर जो अपना टाउन का एक न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर आएगा कि कोलोग्राम रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने आत्महत्या करी थी वो हमारे जस्ट बिल्कुल जस्ट पास में ही है बिल्कुल जस्ट पास में तो देखो यार उसमें क्या कर सकते हैं बताओ ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन के लिए तो हम तैयार थोड़ी रहते हैं नहीं रह पाते और फिर नहीं जाना वहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल ख़राब लगता है उस सिचुएशन में अपन को पता भी नहीं रहता कि करना क्या है तो फिर यार एक हक बनता है एक कुछ भी मान लो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाओ और वहाँ के जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ा सा सांत्वना दो संभालो उनको क्योंकि वो हमारा काम है यार क्योंकि उस टाइम पे वो तो उनको कुछ पता नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कल का मैंने सोचा कि यार अब क्या क्या पढ़ाएंगे बताओ पढ़ा क्या सकते हैं कुछ नहीं पढ़ा सकते तो इसलिए रात को फिर लेट तक फ्री हुए तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कुछ बहाना अब यार वो तो बात नहीं है ना कि मैसेज लिख के भेजो उसमें मैसेज के अंदर किया इसलिए वो फिर वो फिर अच्छा नहीं लगता ना फिर मेरे पास कॉल आते क्या हुआ क्या क्या हो गया सर ऐसे तो इसलिए फिर मैंने लाइट का बहाना सबसे बढ़िया है कि लाइट नहीं आ रही भैया क्लास का ऑफ रहेगा आपका बच्चे भी क्या बोलेंगे ठीक है चलो तो आपके शहर जो भाई ओरिजिनल जो बात है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी तो शायद आपको ऐसा अच्छा बुरा भी नहीं लगता ना कई बार कि यार कि सर ने ऑफ़ कर दिया पता नहीं क्यों बीच में तो मैं तो चाहता नहीं हूँ कि ऑफ हो अब और मैं अभी कर भी नहीं रहा आपको पता है लास्ट पिछले वीक में पिछले वीक में मैंने बहुत ही शायद नहीं पिछले वीक में तो करी नहीं मैंने ऑफ बिल्कुल भी और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऑफ हो आपका और जो लेक्चर आपका कल रह गया था ना उसको कवर कर लूँगा मैं और ये मान के चलो आप कि जो मेरी प्लानिंग है क्योंकि अब मैं अपने फिजिक्स के जो टीचर हैं थर्ड ईयर के वो मैंने लगवा दिए हैं तो जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो हो चुकी ख़त्म अब ख़त्म हो चुकी है वो और अब ये मान के चलो कि आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस के ऊपर ही मेरा पूरा फोकस रहेगा और मैं आपको बता दूं कि डिस्किल मैथमेटिक्स अब चंद दिनों की मेहमान है हमने इसमें अट्ठारह लेक्चर दिए हैं अट्ठारह लेक्चर सेट के अंदर और कल एक काम करना आप कल भी मैं क्लास जो है डिस्किल मैथमेटिक्स की लगा दूंगा आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल सेट से रिलेटेड कुछ रह गया हो क्योंकि आप एक बार छान मारना पीछे देखो अनवांटेड क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा कहीं आप आई आई टी जैम के इनके इनके सवाल उठा के मेरे से पूछने लग जाओ तो देखो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको बताऊंगा भी नहीं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तुरंत पे करो तुरंत आपको आंसर मिलेगा सीधी सी बात है जो आपने पे किया है ना उसका मैं आपको आंसर दूंगा जैसे आप पे कर दोगे उसका आंसर मिलेगा बिल्कुल डीप में पूछ लो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जितना आपने पे किया है उतना मैं आपको करने वाला हूँ रिटर्न में ठीक है तो आपका काम क्या है अब आज बैठ के पूरे सेट को अब दो चार क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ अभी जो अपना वर्जन सिद्धांत था उसके ही मैं सवाल करवाने वाला हूँ दो तीन तो उनको देखना आराम से बैठना कहीं समझ में नहीं आया हो तो समझ लेना क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर दो चैप दो पार्ट हैं इसके एक तो मेरे पास में होता है अपने पास में सेट और एक मेरे पास में है भैया रिलेशन संबंध तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी संबंध वाला जो पार्ट है रिलेशन वाला पार्ट है उसको स्किप कर रहा हूं मैं केवल सेट वाला पार्ट करवा रहा हूं ठीक है तो सेट वाला पार्ट भी आपका एट मार्क्स का आएगा एट मार्क्स का आएगा और इसके लिए चिंता मत करो आप अब मैं इसलिए करवा रहा हूं ये सेकेंड यूनिट इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूं क्योंकि अब छोटी छोटी यूनिट है अब इनको फटाफट हम कवर कर लेंगे तो हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा और आप उसकी टेंशन मतलब रिलेशन की क्योंकि रिलेशन में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उनको अपन एक बार टच करवा देंगे और एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बताऊं सीक्रेट नहीं सीक्रेट अब देखो मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है लास्ट तीन चार साल से पढ़ाते हुए तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्क्रिट मैथमेटिक्स में जो सवाल आते हैं आपके लास्ट ईयर के पेपरों के अंदर सेम टू सेम सवाल एग्जाम में आते हैं टिट्टो कुछ भी चेंज नहीं होता ये कैलकुलस नहीं है ये डिस्क्रिट मैथमेटिक्स है यहाँ पर कोई टीचर का थोड़ा सा भी चेंज करेगा ना फिर उसको आंसर की बनानी पड़ती है और आंसर की बनाने के लिए तो फिर भैया वहाँ पे फिर उसको पूरा लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा अब कैलकुलस में तो क्या है भाई थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया तो कैलकुलेशन है वो तो कैसे भी कर सकते हैं बन ईजिली भी कोई दिक्कत नहीं है हालांकि कैलकुलस में भी सीरीज हो गई ठीक है और भी बड़े बड़े सवाल हो गए इनमें कोई भी चेंज नहीं होते सेम टू सेम सवाल उठ के आते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी नंबर चेंज करा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जामिनर को और वो चाहता नहीं एग्जामिनर की मैं फालतू की कैलकुलेशन करके आंसर की बनाऊं और फिर उससे मैचिंग करेंगे अपना आंसर वो नहीं चाहता है इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ाई करें आप ठीक है तो अब मैं आपको करवाने वाला हूं सेट के कुछ चार पाँच सवाल और बैठ के कल आप सोचना भाई कौन कौन से सवाल आपको नहीं आए हैं दो तीन चार सवाल जो भी बच गए होंगे जिनको मैं शायद आप करवाना चाहता हूँ आप चाहते होंगे कि इसको भी करवा देना सर तो वो मैं करवा दूंगा कल के लेक्चर में तो वो क्वेश्चन जो आप चाहते हो वो क्वेश्चन आज मेरे को ही सेंड कर देना व्हाट्सएप पे आज ही व्हाट्सएप पे सेंड कर देना दोपहर तक पढ़ लेना इसको अभी बैठ के जैसे क्लास खत्म हो इसको बैठ के पढ़ लेना और जो भी आपको नहीं आता सेट का रिविजन कर लेना तो मेरे को आज ही वो क्वेश्चन बता देना ठीक है ताकि पता तो चल जाए ना फिर आप क्या करोगे अर्जेंट टाइम पे कल मेरे पास मैसेज करोगे गुरुजी वो बताना वो बताना ठीक है कल भी कर देना लेकिन आज कोशिश करना कि आज ही कर देना मेरे को मैसेज कि कौन सा सवाल करवाना है कौन सा नहीं करवाना है ठीक है एक आध की बात कर रहा हूँ मैं कहीं आप पूरा पूरी एक्सरसाइज मेरे को सेंड कर दो नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं ठीक है चलो तो बात क्लियर एकदम कोई समस्या किसी को कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है चलो अब मैं आगे चलता हूँ भैया चलो अब अपना कुछ स्टार्ट करते हैं टॉपिक अब देखो उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता है हम आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसके तहत मैंने आपको तीन फॉर्मूले बता दिए थे एक एक मेरे पास में ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको रट गया होगा कि गुरु जी कार्डलिटी ए प्लस में कार्डलिटी बी माइनस का कार्डलिटी ए इंटरसेक्शन बी यही तो था अब यहां पे उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में आता है ए यूनियन बी यूनियन सी मेरे पास में तो यहाँ पे देखो कार्ड लेटी ए प्लस में कार्ड लेटी बी प्लस में कार्ड लेटी सी फिर माइनस का ए को लगाओ बी के साथ में ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस करो याद करवा रहा हूँ फॉर्मूले को मैं ठीक है ए इंटरसेक्शन सी बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए और कुछ डाउट आपके मन में हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाए ए डॉट बी हो गया ए डॉट सी हो गया ठीक है और सी डॉट ए भी कर दो सर ए डॉट सी सी डॉट ए बात बराबर ही तो है ठीक है फिर उसके बाद मेरे पास में क्या आ जाएगा देखो बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नहीं आएगा फिर लास्ट में प्लस आएगा कि मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास में आएगा ठीक है आप देख लेना एक बार एक दो तीन चार पाँच छ और सात सेकेंड वाला जो टर्म आपका है इसके अंदर सात टर्म आएंगे इस बात का ध्यान रखना थोड़ा गिनती करके रखना ताकि कभी भी एग्जाम में क्या पता एक वर्ड इधर उधर हो भी जाए ना तो फिर उसको देख लेना मैनेज कर लेना कि यार कौन सा वर्ड छूट गया है मेरे से उसको देख लेना मैनेज कर लेना आप एक बार चलो अब इसके बाद एक और बात बताऊं आपको मैं छोटी सी बात ये है कि अगर सपोज करो आपसे कोई पूछ ले कि कार्ड ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अगर आपसे कोई पूछ ले तो फिर इसका क्या जवाब दोगे आप तो बच्चे कह रहे हैं सर हमको क्या दिक्कत है इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है इज इक्वल टू में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको पर्टिकुलरली पहले लगा दो तो कार्ड ए प्लस में कार्ड बी प्लस में कार्डलेटी सी बस में कार्ड लेटी डी ठीक है फिर अपन क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले ए को पकड़ लो तो हमने क्या करा ए को पकड़ा माइनस किया देखो ए इंटरसेक्शन बी ठीक है फिर मैंने करा माइनस का ए इंटरसेक्शन सी फिर माइनस का ए इंटरसेक्शन डी तो ये ए को पकड़ के हमने दो दो के जोड़े बना दिए हैं उसके बाद बी को पकड़ लो तो यहाँ पे माइनस का मेरे पास में बी इंटरसेक्शन सी फिर डी को पकड़ लो भाई बी के साथ में काम करना है ना ठीक है तो बी को पकड़ लो क्या दिक्कत है इस प्रकार सर बना दो तो बी को सी के साथ में ले लिया मैंने फिर माइनस कर दो बी को ले लो डी के साथ में हो गया काम ठीक है फिर मेरे पास में सी को पकड़ो फिर सी को पकड़ लिया मैंने फिर माइनस कर दिया फिर यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी मेरे पास में तो देखो दो दो के जोड़े मेरे पास बन चुके हैं ठीक है अब बनेंगे तीन तीन के जोड़े देखो ए बी और सी तीनों को ले लो एक साथ ए बी सी मैंने माइनस किया देखो माइनस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास में ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास में आ गया ठीक है अब उसके बाद क्या करें देखो ए सी और डी भी कर सकते हैं ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मेरे पास में ठीक है अब ए का तो चलो काम हो गया फिर उसके अलावा मैं पर्सनल बी सी डी भी कर सकता हूं देख लो कोई रिपीट नहीं होना चाहिए तो कोई भी एलिमेंट एक बार रिपीट नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखना और ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि आप इसको रटने बैठ जाओगे गुरु जी कैसे है क्या है मेरे पास में भाई सबसे पहले एक एक के जोड़े फिर दो दो के जोड़े फिर तीन तीन के जोड़े काम खत्म अब एक बार इनको गिन लेते हैं अपन एक बार देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है अभी इसके अंदर एक और जोड़ा बचा हुआ है क्योंकि इसके अंदर पंद्रह आएंगे और लास्ट का तो पता ही है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी वो मेरे पास में अपना प्लस कर देंगे एक और इसमें बचा हुआ है अभी भी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मैंने कर दिया है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मैंने कर दिया है और क्या बच गया है एक बार देख लेते हैं तो ए, बी सी मैंने कर दिया खुद सोचो देखो मैं रटाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर भाई आप खुद सोचो कि अपने पास में ये एलिमेंट है एक दो तीन चार अब इसमें तीन तीन के जोड़े कितने बन सकते हैं देखो एक ठीक है फिर दो तीन ए बी सी मैंने ले लिया देख लो आप वहां पे फिर मैंने क्या करा ए सी और डी को ले लिया तो मैंने देखो ए सी डी को ले लिया फिर मैंने कहा कि यार बी सी डी को ले लो तो बी सी डी भी मैंने ले लिया और भी कोई बच गया है किसके अंदर भाई ये तो बच गया ना मेरे पास में डी ए बी यही तो बच गया माइनस कर दो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अब देख लो ये कहीं रिपीट हुआ है क्या कहीं पर भी ये टर्म रिपीट नहीं हुई पूरे में देख लो आप कहीं पर भी रिपीट नहीं हुई और लास्ट एंड फाइनल तो फिर आपको बताइए प्लस करेंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई फटाफट याद तो कुछ मत करो इतना याद रखो कि पहला तो देखो याद सबको याद है कि इसके अंदर तीन टर्म आएंगे फिर दूसरे वाले में सात टर्म आएंगे और इसमें आएंगे पंद्रह अब इस तरीके से याद कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि पंद्रह टर्म आएंगे और पंद्रह आएंगे तो भैया अब तो तेरह ही आए हैं ठीक है अभी तो बारह आए हैं तो दो और बचे हैं तीन और बचे हैं तो उसके हिसाब से अरेंज कर लो आप कि हाई कितने टर्म और आने हैं तो बस ये आपका बन चुका है देख लो भैया कंप्लीट तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा इसलिए मैं लिखवा दिया है इस फॉर्मूले को एक बार लिख लो नोट कर लो अगर आपकी इच्छा हो लिखने की तो इन्हें बाकी तो फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है फटाफट से सवाल करेंगे दुआधार ठीक है सवालों को केवल मैं समझाऊंगा यहाँ पे बाकी करने का काम तो आप ही करोगे ठीक है किसी का कोई डाउट कोई कमेंट चल रहा है मन में तो आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिएगा तुरंत हाँ भाई कुछ बातचीत चल रही है यहाँ पे एक दूसरे के मन में ठीक है दीपक कह रहे हैं कि सर ये क्या बात हो गई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आप कंप्लीट करवाओगे ना देखो यार एक बात बताओ आप मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में वो मैंने आपको करवाए और मैंने कहा कि आप इनको करने की कोशिश करना तो मुझे लगता नहीं किसी ने भी करने की उसको कोशिश करी होगी आपको तो आंसर चाहिए मतलब ठीक है तो मैं आंसर भेज दूंगा उनके लिख के समझाने उसको मतलब है नहीं क्योंकि आपको समझ में नहीं आया फिर वो मैंने करवाया जो और बाकी देखो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन के लगभग सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं ठीक है वो सवाल छोड़ें जो आप कर सकते हो और जान पूछ के मैं उन्हीं सवालों को छोड़ता हूँ जो कभी एग्जाम में आएंगी भी नहीं ठीक है क्योंकि यार इम्पोर्टेंट सवालों के होते हुए वो पीछे के सवाल नहीं आते हैं अब आपके मन में सवाल हुआ गुरुजी वही आ गए तो अरे तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है मेरे को गारंटी है कि मैं मतलब आ, उस सवाल को बताऊं जो एग्जाम में आएगा भाई पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में होती है एट्टी से नाइन्टी परसेंट की क्या होगा बाकी फिर पूरी जिम्मेदारी बच्चे की है कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको ठीक है बाकी ये सवाल कर लो आराम से अब वही तो बात है ना भाई इंटेलिजेंट में और कमजोर में फर्क क्या है जो बच्चा कर लेते हैं उन सवालों को उनके नंबर आ जाते हैं और जो नहीं करते बैठे रहते हैं गुरु करवाएंगे बैठे रहो आराम से क्या दिक्कत है चलो ठीक है तो क्लासेज का तो टेंशन मत लो आप उस चीज़ की थोड़ा सा आप डिप्रेशन मत जाओ आप ठीक है आपका अरेंज कर दिया है टाइम ऐसी कोई बात नहीं है मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लासेस नहीं लगाएंगे रेगुलर ही आपकी क्लास चलेगी लेकिन किस टाइम पे चलेगी थोड़ा एक दो दिन रुक जाओ फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या मोनिका प्रजापत कह रही है कि सर हमें तो टेंशन हो रही है कि ओनली टू मंथ्स हैं देखो टेंशन तो हमें भी है उस बात की लेकिन ये जो टू मंथ्स है ना ये टू मंथ्स ये मान के चलो कि पांच महीने के बराबर है क्योंकि आप देख लेना एक बार क्योंकि इन दो महीनों के अंदर जो कोर्स हो सकता है और जितना आप खुद पढ़ सकते हो ना क्योंकि आपकी कैपेसिटी का जो दरवाजा है वो आपने खोल लिया है क्योंकि आपको पता है अब टाइम नहीं है तो अब तो जितना पढ़ा दिया उसको साथ के साथ ही पढ़ना पड़ेगा तो बस ये दरवाजा भैया स्टार्टिंग में नहीं खुला था जब आपने जुलाई में अगस्त में सितंबर में जब बैच स्टार्ट करा था ना तो उस टाइम पे तो था कि एक क्लास लेनी है और वो भी मुश्किल से ली जाती थी लेकिन अब तो क्या सिचुएशन बन गई डेली की अगर चार से पांच क्लास भी आपकी हो जाए ना तो आप ये नहीं कहो कि गुरु जी क्लास इतनी क्यों हो गई क्योंकि आपको पता लेनी है क्लास क्लास को लेनी ही पड़ेगी ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलता हूँ और कुछ क्वेश्चंस एंटर करवाता हूँ यहाँ पे फटाफट से तो ओपन करते हैं फटाफट देखो आओ देखो भाई ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट आ जाओ है नहीं इसके अंदर कुछ भी केवल आपको समझना है उसके अलावा कुछ भी नहीं है पे देखिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या पूछा गया है आपसे कि एक तथा आधार के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो कि दो तीन पांच अथवा सात से विभाजित नहीं होते हैं अब वो मैंने चार एलिमेंटों वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्यों लिखवाया था क्योंकि चार एलिमेंट का सवाल आपके सामने है और एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा ठीक है एक छोटी सी बताऊँ आपको मैं ये बात मैंने काफ़ी बार बता दी होगी आपको कितना ध्यान से आपने जितने भी टीचर अभी तक देखे हैं जो कि यूपीएससी की तरफ तैयारी करवाते हैं जैसे कि मैं बात करूं विकास देवी कीर्ति सर हो गए ठीक है और भी बहुत सारे सर हैं हालांकि मैं ज्यादा जानता नहीं उनके बारे में लेकिन जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं वो एक ही बात कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस होता है हंड्रेड परसेंट और उस हंड्रेड परसेंट में से अगर बच्चा फोर्टी से फिफ्टी परसेंट बच्चा कवर कर लेता है ना तो उसकी आ जाती है रैंक और उसका सलेक्शन तो होगा ही होगा लेकिन उसकी रैंक आ जाती है लेकिन अब इसमें भी कंडीशन है कि जो फोर्टी से फिफ्टी परसेंट आप पढ़ोगे ना सिलेबस उसको बार 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 रिवाइज करते रहो उसका रिवीजन करते रहो कि वो जो चीज आपने पढ़ी है ना अब बच्चे की आदत क्या होती है वो लपेटता है चारों तरफ से अब एक छोटी सी बात पूछू आपसे मैं आपने जब ट्वेल्थ क्लास में एंट्री ली थी मैं मैथ की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं तो आपने सोचा होगा कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है फिजिक्स का भी बहुत बड़ा है मैथ का बहुत बड़ा है कैसे कवर करेंगे ठीक है और आपने हर एक सवाल को किया होगा हर एक उस क्वेश्चन को किया होगा ठीक है प्रैक्टिस भी करी होगी कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी हंड्रेड में से हंड्रेड भी आए हैं जिन्होंने लगातार रिविजन किया होगा कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बीच में रह जाते हैं वो क्या करते हैं कि और बच्चों की तरह अब वो क्या करें कंपेयर करवाते हैं अपने आप थोड़ा अच्छा इंटरन बच्चा होगा उससे अपना कंपेरिजन करवाएंगे और ये सोचेंगे कि यार उसने तो पूरा सिलेबस पढ़ा है मैं भी पूरा सिलेबस पढ़ूंगा भैया तो खुद की औकात को चेक कर लो ठीक है कि आपकी औकात कितनी है अब आप लपेट रहे पूरे को ठीक है और उस लपेटने के चक्कर में जो पढ़ा था आपने वो भी भूल गए और एग्जाम में कुछ भी नहीं करके आए तो मैटर जैसे अब यहाँ पे ये मान के चलो कि जो बीएससी का सिलेबस है वो इतना ही मान लो आप एक तरीके से यूपीएससी का सिलेबस है एक तरीके से यूपीएससी का सिलेबस है इसमें भी आप क्वेश्चंस क्वेश्चंस पढ़ो आप उन पे कमांड करो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी प्रोवाइड करवाने ही वाला हूं आपको एक जनवरी से वो प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं अपन तो उस प्रोग्राम के अंदर जो भी मैं पेपर्स आपको सेंड करूंगा ना वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए पेपर होंगे अब उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है देखना है कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज कैसे आता है कैसे उनको सोल्व करना है बस बात समझ में आ गई आपको फिर उनका क्वेश्चन का रिविजन करना है आपको ऐसे नहीं कि आप लगे पड़े हो पीछे कि ये भी करो वो भी करेंगे 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 एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द ईयर आप खुद को महसूस होगा कि यार हमने क्या करा कि सलेक्टेड मैटर नहीं पढ़ा हमने चारों तरफ से छान मारा और दो चार बच्चे इस बात को हजम भी कर जाते हैं कि हाँ उसने सब पढ़ लिया और वो एग्जाम में अच्छा भी परफॉर्मेंस कर देते हैं लेकिन कुछ चक बच्चे के चक्कर में बाकी की जो टीम है ना वो सोचती है कि यार हमने गलत किया हमने सेलेक्टेड मैटर नहीं पढ़ा और सेलेक्टेड पढ़ लेते तो हमारा काम हो जाता हम पास हो जाते ये बात फैक्ट है अब आज की तारीख में अगर हम आपसे पूछूं कि एक ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को मैथ में और फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए तो आप उसको तुरंत बता दोगे क्या बताओगे आप एक काम करना फिजिक्स में तू स्टार्टिंग के एक दो तीन चार चार चैप्टर के चक्कर मत पड़ना क्योंकि वो चार चैप्टर बहुत बड़े हैं और केवल शायद पांच से छह मार्क्स के हैं वो चार चैप्टर है ना वो केवल सात से आठ मार्क्स के हैं तो उनको मत पढ़ना लेकिन ये बात अगर आपको ट्वेल्थ क्लास में बोली जाती तो आप क्या कहते है? नहीं मैं तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं तो पूरा पढ़ूंगा भाई पास करवाने की बात हो रही है वहां पे पास करवाने के लिए भी बच्चे को पता नहीं कि क्या करना है पास करने के लिए भी वो पूरा पड़ेगा उस क्यों और उस चक्कर में फैल हो जाता है वो लास्ट ईयर के वो सॉरी लास्ट उधर अपने चैप्टर थे ट्वेल्थ क्लास के अंदर चाहे सेमी की बात करूँ मैं ठीक है वो अपना लास्ट वाला जो संचार वाला चैप्टर था ठीक है और थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर थे लास्ट के जो पांच से छह चैप्टर थे वो लगभग फोर्टी से फिफ्टी परसेंट कवर करता था फिजिक्स का उसको पढ़ लेते थे तो सौ परसेंट पास होने की गारंटी है लेकिन मैं भी उस टाइम फील करता था कि यार नहीं अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर से कि यार पास भी हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे उन चैप्टरों से क्या होगा कुछ भी नहीं होगा उनसे तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा और उस चक्कर में हालांकि हम तो अच्छे कर गए उस चीज़ को कि हमने पूरा पढ़ लिया और हम पास भी हो गए लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या करना है अरे तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा देखो सीखो थोड़ा सबर भी रखो कि जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए कॉन्फिडेंस रखो कि यही एग्जाम में आएंगे नहीं तो बाकी तो देखो सिलेबस कभी कभार पेपर ऐसा बन जाता है कि वो एमएससी के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं यहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको आता तो करो नहीं तो मत करो सिंपल सी बात है और जो जो की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो तो थोड़ा कर देगा लेकिन बाकी जो नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे क्या दिक्कत है ठीक है तो इसलिए ये फालतू का जो रोना धोना है उसको बंद करो कि वो नहीं करवाया वो नहीं करवाया वो नहीं करवाया मेरी तरफ से जो लगता है मैक्सिमम आउटपुट वो मैं आपको दे रहा हूं ठीक है ना बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है उसके अंदर कि आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो और करो अब ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं करूंगा उसके अंदर हां ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं आता है कि गुरु जी ये सवाल तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है तुरंत भेजो मेरे को फिर अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका वो सवाल बोर्ड पे करवा दिया जाएगा लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी एक्सरसाइज मेरे को भेज दी कि मेरे को तो एक भी नहीं आया इसके अंदर ठीक है तो नहीं आया तो फिर आराम कर आराम करो बैठ के और चाय वाई पीओ बैठिए सर्दियों के टाइम सर्दिय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें ठीक है ना कॉन्फिडेंस भी रखें अंदर मतलब आप दो चीज़ों को लेके चल रहे हो एक साथ मार्क्स भी आपको एट्टी परसेंट प्लस बनाने हैं ठीक है और आपको चीज़ों को सुनना भी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे एटी परसेंट बनाना बिल्कुल आसान है सो so में से सो थोड़ी बनानी है आपको नहीं बनानी ना एट्टी बनानी है एट्टी एक बात बताओ सिंपल सी बात पूछता हूँ आप आपको एट्टी बनानी है एट्टी लगभग तो चालीस में से कितने नंबर चाहिए आपको आप कहोगे सर चालीस में से लगभग आपको वही थर्टी फाइव नंबर इतने चाहिए ठीक है तो अब आप सोच लो कि आपको चालीस में से चालीस अगर नंबर आपके आ जाते हैं तो वो आपकी परसेंटेज पहुंच जाती है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है ना तो मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ ये देखो जो पढ़ाई करने वाले हैं ना वो तो समझदार हैं पहले उनको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो नॉर्मल वाले हैं और वही अपने पास जाता है तो मैं उनसे ही कह रहा हूँ ये चालीस में से चालीस वाला चक्कर छोड़ो और जो लगता है आपको कि बिल्कुल हाँ ये मैं कर सकता हूँ ठीक है कर लो इसको कर लो तो पासिंग मैटर तैयार करो पहले ठीक है ना और जितना मैंने पढ़ा दिया कॉन्फिडेंस रखो उसके ऊपर उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर वाले हो अभी आपको कुछ पता नहीं है कि पेपर कैसे आता है बी का और किस प्रकार बनता है अब मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊ आपको रियल फैक्ट तो आप भी उस बात को सुनकर हैरान रह जाओगे रियल फैक्ट ये है कि इस साल 2023 का जो हाल होने वाला है मैं सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आरयू की बात कर रहा हूं मैं मैं ये कोटा ब्रज मत्स्य से सेकावटी जितनी भी छुट्टी है ना सबकी बात कर रहा हूँ ईमानदारी की बात है जो बच्चा पास हो गया ना वो हो गया चाहे उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो और जो बच्चा बढ़िया तरीके से करके आएगा ना पूरे चालीस में चालीस का भी उसको भी फैल कर दिया तो कर दिया ये कंडीशन रहेगी दो के अंदर ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि संभल के रहो आप भी और देखो भाई पढ़ाई करना आपके पास लास्ट ऑप्शन है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अफसर ने कह दिया कि यार पास होंगे कि नहीं होंगे तो उस चक्कर में आप पढ़ाई को छोड़ दोगे नहीं पढ़ाई मत छोड़ना पढ़ाई तो करना ठीक है अब अब आप देख लो 2022 के अंदर क्या हुआ है बच्चों के साथ में मेरे खुद के बच्चे थे यार थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में बच्चे थे अपने चालीस में चालीस करके आए और मुझे पता है कि अपने पास ही पढ़ाई बच्चा अब इतना तो कमज़ोर नहीं हो सकता कि अर वो मेरा अच्छा एक सेलेक्टेड बच्चा था ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा ही था सेलेक्टेड बच्चा था पूरी क्लास उसने अटेंड करी थी अरे पूरे में से पूरा अटेंड भी करके आया था क्वेश्चन और मुझे पता है कि पेपर किस लेवल का आया था पूरा नोट्स में से आया था तो लेकिन उस बच्चे के देखे डबल जीरो नंबर उसका सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट आ गया उसमें भी उसके एक नहीं बढ़ाए कुछ भी नहीं बढ़ाया उसमें अब क्या कह सकते हैं इन छोटी वालों का अब हालांकि थोड़ा बहुत ये है कि अब उनका थोड़ा बहुत ये होगा कि भाई मेन एग्जाम है दो वाली तो उनकी कॉपियाँ अच्छे तरीके से चेक की जाए तो ऐसा मत करना कि भाई हाँ ठीक है मैंने आंसर लेके आ गया था आंसर वास्तर से काम नहीं चलेगा उस सीधा काट देंगे आंसर को प्रॉपर वे में आंसर होगा तो ही काम करेंगे लैंग्वेज पे फोकस करना डिस्किल मैथमेटिक्स में लैंग्वेज पे फोकस करना कि मैंने जो आपको नोट्स भेजे थे ना तो उसके अंदर आ, किस प्रकार की लैंग्वेज लिखी हुई थी उस लैंग्वेज पे फोकस करना ऐसा नहीं कि बिना लैंग्वेज के आप क्वेश्चन कर रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा ठीक है चलो तो ज्ञान की बातें काफी हो गई है ये ज्ञान की बातें आपको अगर तपाव लगती है ना तो कोई बात नहीं है क्योंकि आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम दे के आओगे तब ये सर भी कुछ बात करते थे क्योंकि देखो वही बात है जब आप ट्वेल्थ क्लास में थे और ट्वेल्थ क्लास में जब थे आप और कोई बड़े भाई बहन आपको समझाते थे ना तो आप उनको बताए रहने दे रहे दे रहने दे ठीक है तेरी कितनी बनी परसेंटेज पचास तो तू फालतू तो ज्ञान मत दे मेरे को यही कहते थे हम उनसे लेकिन जब रिजल्ट निकल के आया बाद में वो कह रहे थे कि ये चैप्टर पहले पढ़ लेना अरे यार गलती हो गई यार ठीक है तो वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है अब ये सवाल है ये मात्र पांच मिनट का सवाल है सवाल पे फोकस करेंगे तो मात्र एक मिनट का सवाल है ये कह रहा है कि मेरे पास में कोई एलिमेंट मान लीजिए एक्स एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये एक हजार से और एक के बीच में रहेगा हम क्या करेंगे कि इसमें दो तीन चार और पांच ठीक है इनका भाग लगाएंगे तो अब ये क्या बोल रहा है आपसे कि एक हजार के बीच में जो संख्या मेरे पास आने वाली है वो दो तीन चार दो तीन पांच और सात से विभाजित नहीं है मतलब ऐसी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है जो कि जो कि डिविजिबल नहीं है किससे पांच तीन दो और सात से इन चारों संख्याओं से जो डिविजिबल नहीं होगी वो हमें निकालना है अब एक छोटा सा काम मैं आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे दो यूनियन तीन यूनियन सात यूनियन पांच यूनियन सात अगर मैं निकाल लू मतलब एक हजार के अंदर जो दो तीन पांच सात से डिविजिबल होंगी अगर वो मैं निकाल लू तो मैं क्या करूंगा फिर एक हजार में से उस संख्या को माइनस कर दूंगा और जो डिविजिबल नहीं होंगी वो संख्या आपके पास में निकल के आ जाएंगे मैंने क्या कहा आपसे कुछ सुनाई दिया मुझे लगता नहीं किसी को सुनाई कम दिया होगा सुनना मेरी बात मैंने ये कहा कि एक हजार आपके पास नंबर है और उसमें आपको निकालना है कि जो डिविजिबल संख्या है वो नहीं है दो तीन पांच सात से हम एक काम करते हैं जो फॉर्मूला मुझे पता है उसके माध्यम से मैं डिविजिबल वाली संख्याओं को निकाल सकता हूं तो डिविजिबल वाली संख्या निकाल लूंगा मैं और निकालने के बाद एक हजार में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नॉन डिविजिबल संख्या जो भाज्य नहीं होंगी वो संख्या निकल के आ जाएंगी चलो अब करते हैं फटाफट से सवाल इसको अब देखना ध्यान से अब वो फॉर्मूला काम आएगा ठीक है वो फॉर्मूला अपना काम आएगा उस फॉर्मूले को ध्यान रखना भैया जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना उस फॉर्मूले का ध्यान रखना चार संख्या वाला फॉर्मूला ठीक है दिख तो रहा है ना आप सभी को सवाल ठीक है क्वेश्चन तो आपको सही तरीके से विजिबल हो रहा है कोई भी समस्या क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है ठीक है चलो अब यहाँ पे काम करते हैं फटाफट से लो भैया अपने पास तो बुक है फटाफट इसका आंसर करवा देते हैं क्योंकि इसके आंसर में भाग वाग भा लगाना पड़ेगा फालतू का जो भाग लगाने के लिए टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपन ठीक है अब सुनना मेरी बात देखो फटाफट यहाँ पे आप सेट मान लीजिए भैया देखो क्या सेट मानने हैं आपको हाँ भाई तो यहाँ पे इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ और आपने कहा कि मेरे पास में देखो जो ए वन ए थ्री ए फाइव और ए सेवन से इन चारों एलिमेंटों से मैंने डिनोट किया है इनको ठीक है कितने हैं दो तीन पाँच सात है तो दो तीन पाँच सात है के तो इनको दो तीन पाँच सात डिनोट कर दो ना क्या दिक्कत है एक छोड़ दो इसको यहां पे दो लग दो, दो तीन पांच सात से ठीक है अब एक काम करो यहां पे, फटाफट मुझे वो चाहिए जो कि दो से डिविजिबल होंगे तो एक हजार का मैं भाग लगाऊंगा एक हजार के अंदर भाग लगाऊंगा दो का कितना आएगा मेरे पास में पांच सौ संख्या आ गई मेरे पास ठीक है उसके बाद हम यहां पे ए थ्री निकालेंगे एक हजार में हमने भाग दिया किसका तीन का तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा तीन सौ तैंतीस संख्या ऐसे निकलेंगी जो कि तीन से डिविजिबल होंगी ठीक है फिर उसके बाद में हम निकालेंगे ए फाइव यहाँ पे दिया मैंने एक हजार में पाँच का भाग तो मुझे मिला दो सौ तो ये हो गया मेरे पास पाँच से भाग देने वाली संख्याओं की संख्या उसके बाद हम देंगे भाग सात का ए सेवन तो एक हजार में हमने भाग दिया किसका सात का तो मेरे पास पॉइंटों में आंसर आएगा लेकिन पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे अपन एक सौ बयालीस संख्या ऐसी होंगी जो कि मेरे पास में सात से डिविजिबल होंगी तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप ये मैंने क्या निकाल दिया ये मेरे पास वो संख्याएं हैं ए टू ए थ्री ए फाइव और ए सेवन ये वो संख्या है जो कि इन संख्याओं से से डिविजिबल होगा एक हजार में दो का भाग पांच का छह का सॉरी पांच का तीन का और सात का इनका बाहर निकाल के मैंने निकाल लिया कि जो संख्याएं इनसे डिविजिबल होंगी तो इतनी संख्याएं जो हैं वो आपकी डिविजिबल होने वाली हैं उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा उसके बाद अब हमें चुपचाप यहां पर ए टू इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा किसका ए थ्री का ठीक है आप इनके ऊपर कार्डलिटी लगा देना भैया ठीक है ये जरूरी है इसके बिना आपका आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत लागू ही नहीं होगा इस बात का ध्यान रखना अब a2 और a3 इसका इंटरसेक्शन निकालना मेरे को अब क्या करूं मैं 1000 में मुझे भाग देना पड़ेगा 3 2 6 का अब 6 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा देखो मैं फटाफट -फड़ से टाइप के लिख देता हूं 166 मेरे पास आएगा a2 इंटरसेक्शन a3 जो आएगा मेरे पास में 166 आएगा करके देख लेना अब ये टाइम पास मैं ज्यादा नहीं करूंगा उसके बाद हम कर रहे हैं भैया ए टू ए थ्री मैंने कर दिया अब ए टू ए फाइव कर लो ए टू को ए फाइव के साथ कर लो तो ए टू को ए फाइव के साथ में करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा पांच दोनों दस एक हजार में भाग लगाओ भैया किसका दस का तो कितना आएगा मेरे पास में सौ ठीक है उसके बाद हम करते हैं यहां पे ए टू इंटरसेक्शन इससे ए फाइव से हो गया ए सेवन से कर दो ए तो सेवन को लिया भैया तो कितना जाएगा देखो सात दो नहीं चौदह तो एक हजार में जब आप भाग लगाओगे कि किसका 14 का तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा बताओ 71 वन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं अरे समझ में तो आ रहा होगा ना ठीक है आराम से मैंने एक एक संख्या निकाली उसके बाद में दो वाले जोड़े अब तीन वाले जोड़े भी आएंगे और फोर्थ वाला भी निकालेंगे सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं ठीक है फटाफट से देख लीजिएगा इसको मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं उतारना था उतार सकते हो नहीं भाई एक साथ उतार लेना फिर ठीक है आप अब आपने यहाँ पे ए टू ए सेवन आपने निकाल लिया है ठीक है अब इसके आगे क्या करें अपन इसके आगे हम करेंगे यहां पे जो मेरे पास में ए थ्री आएगा ए थ्री ठीक है ए थ्री मेरे पास में है और एक मिनट रुको किसका भाग लगाएंगे अब भैया अब भाग लगेगा मेरे पास में देख लो वो तो किसी का लगा लो आप मेरे पास में ए टू का लगा लिया मैंने ए थ्री के साथ ए टू का ए फाइव के साथ ए टू का ए सेवन के साथ अब एक काम करता हूं मैं ए थ्री का ए फाइव के पंद्रह भाव लगा देता हूँ इसके अंदर ठीक है तो लगा लो तो भैया आ जाओ एक काम करते हैं इसको ऊपर ही करते हैं साइड करने से कोई मतलब नहीं है आ जाओ भैया ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो टर्म आएगा सोच के देख लेना वो तो अपने हिसाब से आप तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अब अगला ए थ्री और इंटरसेक्शन ए फाइव तो अब मैं लगाऊंगा एक हजार में पंद्रह का भाग लगा दिया पंद्रह का भाग कितना आएगा आप देख लेना भाग देके आएगा मेरे पास में सिक्सटी सिक्स इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही ज्यादा ठीक है उसके बाद ए थ्री को ए फाइव का ले लिया अब ए थ्री को ले लो भैया किसके साथ में ए थ्री को ले लो आप इंटरसेक्शन ए सेवन के साथ में लगा दो भैया एक हजार का भाग लगा दो एक हजार के अंदर इक्कीस का भाग लगा दो इक्कीस का लगाओगे तो ये मेरे पास में आएगा फोर्टी सेवन ठीक है ए थ्री ए सेवन भी हो गया अब उसके बाद में काम करो भैया टू हो गया थ्री फ्री हो गया अब ले लो ए फाइव को किसके साथ में ए सेवन के साथ में ले लो कितना आ जाएगा एक हजार में भाग लगाओ भैया किसका पैंतीस का, का। सात पुंज पैंतीस भैया सात तीय इक्कीस पांच पंद्रह बस उनका तो भाग लगा रहा हूं मैं तो भैया पैंतीस जैसे डिविजिबल करूंगा मैं तो मेरे पास में आएगा ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट संख्या है ऐसी हैं जो कि पैंतीस से पूरी पूरी डिविजिबल है भैया इसके अंदर ठीक है तो तो ये तो मैंने अभी दो दो के जोड़े निकाल लिए हैं अब आते हैं अपन तीन तीन के जोड़ों के ऊपर ठीक है फटाफट से यहाँ पे निकाल देते हैं आ जाओ मैं यहाँ पे लाइन खेल लेता हूं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है अपने लेवल पर इसको समझ लेना कैसे मैं कर रहा हूं उसके बाद हमने कहा कि मेरे पास में जो ए टू है मेरे पास में ए थ्री जो है और मेरे पास में जो ए फाइव है इन तीनों को ले लिया मैंने एक साथ देखो पांति पंद्रह और पंद्रह दोनों तीस ठीक है एक हजार में अपन भाग लगा देंगे किसका भैया तीस का तो मेरे पास में देखो कट गया ये कितना आ गया मेरे पास में तैतीस ही आ गया मेरे पास ठीक है अब ये हो गया उसके बाद क्या करें भैया अब यहां पे अपने एक काम करते हैं ए टू को ले लेते हैं ए थ्री को ले लेते हैं और अपन ले लेते ले ले हैं ए सेवन को ठीक है सात या इक्कीस और इक्कीस दुना बयालीस तो एक हजार में मैं भाग लगा दूंगा किसका बयालीस का बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं अपन तो बयालीस का भाग लगाया मैंने कितना है मेरे पास में यहां पे आ गया है ट्वेंटी थ्री ठीक है जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन उसके बाद हमने निकाला यहां पे अब टू थ्री फाइव हो गया टू थ्री सेवन हो गया अब कर लेते हैं अपन यहाँ पे टू थ्री, ठीक है मतलब यहाँ पे ए थ्री, इंटरसेक्शन ए फाइव और इंटरसेक्शन ए सेवन बताओ कि नहीं है तो सात या इक्कीस और यहां पे सात में जो पैंतीस आ गए मेरे पास में और पैंतीस एक सौ पांच तो लगा दो भाग एक हजार में एक सौ पांच का ये आएगा आपके पास में नौ चलो उसके बाद अब क्या करें अब आपके पास एक और बच गया है और वो है मेरे पास में देखो ए टू इंटरसेक्शन और ये बच गया आपके पास में ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन ठीक है इनको याद करने मत बैठ जाना कि ये कैसे हो रहे हैं वो तो आपको पता है कैसे करना है इनको एक हजार में आप भाग लगा दो कितना सात उन पैंतीस पैंतीस दोनों सत्तर सत्तर का भाग लगा दोगे तो ये जाएगा आपके पास में कितनी बार फोर्टीन बार तो अब आप देख सकते हो कि मैंने तीन तीन के जोड़े वाले एक दो तीन चार जो है वो आपके सामने पेश कर दिए हैं कन्नी की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है अब इसके आगे जस्ट थोड़ा सा आगे हमें एक और टर्म निकालना पड़ेगा और वो टर्म आप सभी को पता है और वो है भैया मॉडुलस में ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन एक हजार में भाग लगा दो भैया कितने का मल्टीप्लाई करो सात पंजे पैंतीस सात तेईस दो सौ दस का ठीक है दो सौ दस का बाहर लगाओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में चार आएगा चार आएगा ओनली ठीक है only, देख लो तो अब ये मेरे पास में कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आ गया ठीक है ना अब क्या करोगे पूरे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बाकायदा फॉर्मूला लिखोगे हम लिखेंगे भैया वी नो दैट वी नो दैट फ्रॉम ठीक है फ्रॉम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आविष्ट जिन सिद्धांत से हम जानते हैं ठीक है और चुपचाप यहां पे फॉर्मूला टिका देना किस किस का देखो यहां पे ए टू इंटरसेक्शन नहीं है यूनियन आएगा यूनियन और ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फाइव यूनियन ए सेवन क्या क्या लिखोगे भैया बताओ कार्डलेटी ए टू प्लस में कार्डलेटी ए थ्री प्लस में कार्डलेटी ए फाइव और प्लस में कार्डलेटी ए सेवन ठीक है चार एलिमेंट ये आ गए फिर माइनस करोगे आप यहां पे ए टू को करो ए थ्री के साथ फिर थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ना क्या फर्क पड़ता है इसको पहुंचा दो तो यहां पे ठीक है अब यहां पे हमने कर दिया यहां पर ए टू को ए तरीके साथ में यहीं पे हम लिख देते हैं भैया माइनस का जो ए टू है वो इंटरसेक्शन होगा ए फाइव के साथ ठीक है फिर ए फाइव के साथ हो गया मेरे पास फिर माइनस कर दो यहां पे ए थ्री इंटरसेक्शन ए फाइव फिर आप माइनस कर दो भैया ए थ्री इंटरसेक्शन ए सेवन और फिर आप माइनस कर दो कि ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन ये तो हो गया आपके दो दो के जोड़े कंप्लीट ठीक है वो दिक्कत नहीं है अब तीन तीन के बनाओ. तीन तीन के के बनाओ बनाओगे तो देखो माइनस मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए फाइव पहला माइनस करोगे दूसरा जोड़ा आप बन जाएगा अपने पास में ए टू ठीक है और इंटरसेक्शन ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन ठीक है फिर माइनस कर दोगे फिर बन जाएगा मेरे पास अब यहाँ पे ए थ्री इंटरसेक्शन ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन ठीक है तीन ये बन गए और उसके बाद माइनस कर देना आप बना लेना यहाँ पे एक ये बना लेना ए सेवन इंटर सेक्शन ए टू इंटर ए थ्री ये बना लेना और फिर लास्ट में प्लस कर देना ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए फाइव इंटरसेक्शन ए सेवन कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरु जी क्या है ये पागल करने वाला सब फॉर्मूला है क्या है नहीं है देखो कितना भी अच्छा टीचर होगा कितना भी ब्रिलियंट टीचर होगा इसी को इसी प्रकार पढ़ाएगा इसमें और कोई लॉजिक और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको सीधा लड्डू दे दे आपके हाथ में और आप उसको कैच कर लो नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा और आप अगर फोकस करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है जैसे ही आप पूरी वैल्यू भई आप सारी वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर जितनी भी वैल्यू है हमारे पास में इंटरेक्शन यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ली ठीक है चार इनकी वैल्यू आपने निकाल ली जो कि आपके तीन के जोड़े हैं फिर आपने दो दो के जोड़े जो मेरे पास में उनकी वैल्यू निकाल रखी है सबकी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है कंप्लीट ठीक है तो आपको क्या करना है अब आपको चुपचाप से मानित रखना है ठीक है मैं यहाँ पे इसको स्क्रोल कर रहा हूँ धीरे धीरे आराम से आराम आराम से इसको नोट कर लीजिएगा और फिर बाद में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगी ना पॉज करके उतार लेना क्या है ठीक है तो ये मेरे पास में पूरी जितनी भी मान है सारे मान आपके पास आ गए देख लो ठीक है थोड़ा ऊपर करता हूं मैं और थोड़ा सा अब क्या करना है आपको इसके अंदर सभी की वैल्यू को पुट करना है जैसे ही आप यहां पर कंप्लीट पुट दी वैल्यू लिखोगे भैया कि मैंने अपनी पूरी जो वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ भी नहीं होगा सिंपल सी बात है कि मेरे पास में ए वन सॉरी ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फाइव यूनियन ए सेवन कंप्लीट मान जवाब रख दोगे तो आपके पास में कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा बाकी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा बहुत ठीक है कि आप करोगे यहाँ पे देखो 500 सौ पहले तो रखोगे फिर प्लस करोगे तीन सौ तैंतीस जो मैंने ऊपर निकाल दिया है प्लस में करोगे आप दो सौ माइनस कर दोगे भैया एक सौ बयालीस माइनस कर दोगे एक सौ माइनस कर दोगे आप सौ फिर माइनस कर दोगे आप सेवेंटी वन फिर माइनस कर दोगे आप सिक्सटी सिक्स माइनस का 47 सेवन और माइनस का ट्वेंटी एट ठीक है माइनस का फिर प्लस आएगा यहाँ पे प्लस का यहाँ पे थर्टी थ्री और प्लस का ट्वेंटी थ्री और प्लस में फोर्टीन और माइनस प्लस का नाइन और माइनस का फोर मेरे पास में ठीक है देख लेना किस प्रकार मैनेज किया है नहीं किया है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना इसको ठीक है उसके बाद में हम जैसे वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे ठीक है एक यार ठीक है ये लास्ट में और जैसे ही आप यहां पे शेवन, 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 टू कर तो अब आपको क्या करना है भैया इसको एक हजार में से माइनस करना है क्योंकि ये तो मेरे पास में जो संख्या आई है वो आई है डिविजिबल संख्या ठीक है यही मेरे पास डिविजिबल आई है अब मैं क्या कर दूंगा इसमें एक हजार में से माइनस कर दूंगा एक हजार माइनस सेवन सेवन टू तो ये मेरे पास आ जाएगा दो और ये दो जो मेरे पास में आया है ये वो संख्या है जो कि दो तीन पांच और सात से डिविजिबल नहीं है अब एक काम करना मेरी बात ध्यान सुनना एक बार यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये चार एलिमेंट वाला है इसमें फॉर्मूले में बदलाव कर दो तुरंत अभी के अभी बिना मेरे से पूछे ठीक है क्योंकि मैंने यहां पे इनके चिन्हों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया क्योंकि अपन ने उनको गलत बता दिया है देखो कैसे कि मेरे पास में फॉर्मूला आपके सामने है जितने भी दो दो के जोड़े हैं सबके आगे माइनस आएगा लेकिन जितने भी आपके तीन तीन के जो जोड़े हैं ना उनके आगे सबके आगे माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा भैया ठीक है थीके? तीन तीन के जोड़े जो हैं उनके आगे प्लस लगा दो भैया प्लस 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 और ये जो मेरे पास लास्ट एंड फाइनल वाला है इसके साथ लगा दो आप चुपचाप से माइनस क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वाले फॉर्मूले की तरह मैंने काम कर दिया यहां पे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहां पे लगाओ प्लस तो जितने भी तीन तीन के जोड़े आपको दिख रहे हैं उनके आगे लगाओ प्लस ठीक है यहां पे माइनस लगाओ रे यार फिर वही आ गया मिटाओ इसको और यहां पे लगाओ आप भैया माइनस जितने भी तीन तीन के जोड़े आएंगे मतलब आप देख लो कि ओड क्रम जो आपका है देखो वन के आगे प्लस का चिन्ह था दो दो के जोड़े उनके आगे आएगा माइनस तीन तीन के जोड़े हैं उनकी आगे आएगा प्लस और चार का जोड़ा आएगा उसके आगे आएगा माइनस तो फॉर्मुले में बदलाव कर लेना उसके हिसाब से फिर आप मान रखोगे तो आपके पास में टोटल जो आंसर निकल के आएगा लास्ट एंड फाइनल वो आ गया आपके पास में दो कैसे आया है लॉजिक आपको पता चल चुका है अब मैं इसको कैसे भी करवा दूं एग्जाम में करके तो आपको आना है तो अब इसके आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे थोड़ा बहुत भाग गुणा भाग कैसे भी कर करा के जो भी करना पड़ेगा सबको आप करना पड़ेगा ठीक है तो फटाफट बता दीजिए कोई कमेंट है उसके बाद में एक आध सवाल और है उनको कर लेते हैं फिर अपन ठीक है इसी बुक के एक दो सवाल और हैं अब देखो दो सवाल जो हैं वो तो ये मान लो कि बिल्कुल ऐसे हैं जो कि आपको खुद को ही करने पड़ेंगे मैं नहीं करवाऊंगा उनको बिल्कुल भी ठीक है क्योंकि ये तो एक तरीके से मान लो कि प्रैक्टिस है आपकी प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस ठीक है हा भाई चलो तो यहां पर छोटा सा काम जो है आपको यह करना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूले में बदलाव करना पड़ेगा यह देख लेना आप मैंने जल्दीबाजी में बिल्कुल भी साइन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करा जब मैंने देखा कि यार यहां पे प्लस आ रहा है अच्छा अच्छा फ्लो फ्लो में वो जो फॉर्मूला था अपन सेकंड सेकेंड लिखा था ना जिसमें सात एलिमेंट थे उसी के हिसाब से मैंने चिन्हों का अरेंज कर दिया लेकिन अब ध्यान देना भैया यहाँ पे जहां पर भी ओड संख्या है कि वन थ्री फाइव सेवन ठीक है नाइन इलेवन थर्टीन उसके आगे आएगा हमेशा प्लस और जैसे दो चार छ आठ उनके आगे आएगा माइनस अकॉर्डिंग टू आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत ठीक है ये फॉर्मूला आप एक बार दोबारा देख लो और भाई देखो साफ सी बात है मैंने जब पहली बार गलती करी तो आप भी एग्जाम में गलती कर सकते हो और आपने अगर पहली बार एग्जाम में गलती करी तो वो तो पहली बार रहेगा ना फिर दोबारा फिर देना पड़ेगा एग्जाम नेक्स्ट ईयर तो इसलिए पहले आप गलती मत करना मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं एग्जाम देके नहीं आऊंगा एग्जाम देके आओगे आप इसलिए गलती का ध्यान आपको रखना है आपके पास चांस एक ही मिलेगा पास हो गए तो हो गए नहीं तो फिर दोबारा से आपको एग्जाम देनी पड़ेगी ठीक है चलो तो फटाफट से फॉर्मूले को देख लो इसको और फिर उसके बाद देखो फिर तो कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है यार बट फिर भी क्या सवाल को समझाने का वैसे मैं बोल देता इसको कर लेना बैठ के आराम से ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना लेकिन एक सवाल मैंने करवा दिया क्योंकि कई बच्चों के माइंड में क्या है अभी भी ये जो मैंने लिखे हैं ना कि जोड़े कैसे बने तो वो उनकी बात हजम ही नहीं हुई बैठ के देखना चार एलिमेंट हो पांच हो छः हो कितने भी हों कितने भी एलिमेंट आपके आ सकते हैं तो आप अपने हिसाब से आविष्टि सिद्धांत को बना सकते हो लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना और चिन्ह मैंने आपको बता दिया है कैसे अरेंज करना है ठीक है चलो तो अब यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है अब एक काम करना भैया सारे बच्चे फटाफट भड़ से मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भैया इसको पहले मिटाएंगे नहीं इसको ऐसे करते हैं ऐड कर लेते हैं और अब जो दो सवाल आपको खुद को करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एक सवाल तो मैंने आपको करवा ही दिया है और एक सवाल जो मैं आपको देने वाला हूं वो मैं पहले ही करवा चुका हूं ऐसे सवाल देखो अब ये सवाल जो है ये दो सवाल ये आपको खुद को निपटाने पड़ेंगे देखो भैया फटाफट से देख लो सवालों को ठीक है ये आपकी एक्सरसाइज के पहला और दूसरा सवाल है तो इसमें क्या बोला है एक से दो सौ पचास के बीच उन पूर्णांकों की ज्ञात करो जो कि दो तीन पांच सात से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होते हैं अब डिविजिबल होते हैं उनके लिए तो देखो टू यूनियन थ्री यूनियन सेवन ठीक है यूनियन फाइव ये निकालना है आपको बाकी कुछ माइनस वाइनस तो कुछ भी नहीं करना जबकि वहां पे तो क्या था कि हमें माइनस करना पड़ रहा था माइनस करना पड़ रहा था वहां पे लेकिन यहां पे माइनस नहीं करना पड़ेगा ठीक है इस बात का ध्यान रखना सवाल देख सकते हो आप इसको और बड़ा कर देंगे आप कहो तो हाथ की बात है आराम से क्वेश्चन देखो कईयों के पास बुक भी नहीं है ना तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को उतारो हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर बिल्कुल तरीके से और नीचे वाले सवाल की इंग्लिश नहीं बताई मैंने आपको यार कोई बात नहीं देख लेना वो तो ठीक है मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एक स्कूल है आपका उस स्कूल में इतने विद्यार्थी इतने छात्र हैं ठीक है अर्थशास्त्र उसके पास में इकोनॉमिक्स है इंग्लिश वाले लिख लेना इकोनॉमिक्स ठीक है दर्शन शास्त्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यही ये तो मेरे को खुद को मेरे को पता नहीं है क्या कहते हैं इसको ठीक है देख लेना अपने हिसाब से दर्शन शास्त्र ठीक है ज्योग्रफी ठीक है और आपकी ये इकोनॉमिक्स है फिर आपकी ज्योग्राफी फिर आ गई ठीक है तो ये तीन ही है इसके अंदर एक तो अपनी ज्योग्राफी है एक आपकी इकोनॉमिक्स है और एक आपकी दर्शन शास्त्र है अब दर्शन शास्त्र को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में एक बार देख लेना अरे मैं देख ही लेता हूँ ना अपने पास बुक पढ़ी है यार दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं भैया फिलोसफी याद तो मेरा आ रहा था लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा कन्फर्म नहीं था फिलोसफी कहते हैं इसको भैया इंग्लिश में है। ठीक है तो समस्या किसी को है क्या मेरे हिसाब से नहीं है कुछ भी क्लियर है मामला एकदम देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर आपको सवाल दिख रहा है यहाँ पे दोनों सवाल आप आराम से कर सकते हो क्योंकि एक मैंने करवा दिया आपको इसी प्रकार का अब मैंने एक से लेकर एक हजार तक करवा दिया तो ये तो बच्चा है फिर उसके आगे ठीक है वो तो आप समझ गए फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है चलो तो ये सवाल हमने करवा दिया है अब हम चलते हैं आगे चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ सवालों को और अंदर लेके आते हैं भैया एंटर करवाना पड़ेगा सवालों को अब देखो भैया अब सवाल कहां पे है या ये रहा आपका सवाल वो तो मैंने करवा दिया आपका ठीक है ये सवाल आ जाओ भैया तो ये भी कचरा ही है इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं क्योंकि सारे सवाल करवाने भी फिर आपको होमवर्क देने से भी कोई मतलब नहीं है ना ठीक है इन सवालों को कर लो एक दो को बाकी एग्जाम में कैसा भी सवाल बन के आएगा कर सकते हो आप यार इजीली कर सकते हो लेकिन जहां तक एट्टी नाइनटी परसेंट चांस यही रहता है कि जो सवाल मैं करवाने वाला हूं वही आपके एग्जाम में आएगा बस उसी बात के पैसे लिए मैंने आपसे बस ये समझ लो आप ठीक है और बाकी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो यार बस यही कह रहा हूँ आपसे मैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में आए हो आप आपको पूरी बीएससी की दुनिया के बारे में पता नहीं है कि कैसी है अच्छी है कि बुरी है आपके मन में केवल एक ही इमेज बनी हुई है कि ये बहुत हार्ड है बीएससी बस जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके निकल जाओगे ना फिर आप कहोगे कि बीएससी में क्या था आंख बंद करके बता सकता हूं मैं कि ये पढ़ लेना पास हो जाओगे लेकिन ये बीएससी पढ़ने के बाद बोलोगे ना अब टेंथ ट्वेल्थ के बच्चों को आप आराम से बता सकते हो एक काम करना मैथ में तीन एक्सरसाइज पढ़ लेना पास हो जाएगा फिजिक्स में पढ़ लेना पास हो जाएगा लेकिन पास होने के बाद बोल रहे हो ना तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ ठीक है अब जिसने बात मान ली और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लिया वो खेल जाएगा और कई बार क्या होता है देखो ध्यान सुनना अभी मेरे पास कॉल आते हैं कई बच्चों के क्या कह रहे हैं कि गुरुजी मैं पूरा पढ़ लिया मैंने जो आपने पढ़ाया है लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है वो भी गलत बात है क्योंकि कई क्या होते हैं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो पूरा पढ़ लेते हैं अब सपोज करो मैंने आपको कैलकुलेशन पढ़ाया डिस्क्रिप पढ़ाया सब कुछ आपको याद है लेकिन फिर भी टेंशन में बच्चे अरे यार कैसे पढ़ूँ कैसे एग्जाम में आएगा कैसे याद रहेगा कैसे क्या होगा अब एक सोचो जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी आराम से बैठा है कुछ भी नहीं पढ़ा उसने ना तो कैलकुलस को टच करिए ना उसको टच करिए फिर भी वो बच्चा पास हो जाएगा तो सोच के देखो ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा वह देख लेंगे अभी टाइम खूब पड़ा है तो कंपेयर तो करो थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस लेवल आप तो लेके आओ जब भी आपको डर लगे ना तो ऐसे बच्चों से कंपेयर कर लिया करो अपने आप को कि अच्छे से कुछ नहीं पढ़ा और इससे तो बहुत आ गय मैं बस कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक अब आप यहाँ पे देखो आप अब आपने घर बनाया चार मंजिल का और चार मंजिल का घर आपके गाँव में सबसे ऊँचा है ठीक है तो आपको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था अरे भाई चार मंजिल का घर है अपना और आपने उसको कंपेयर करवा लिया बुर्ज खलीफा से अब आप टेंशन में हो या, यार यार बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है यार तो काहे की टेंशन ले रहे हो आप आपका घर चार मंजिल का है ना आपके आसपास सबसे बड़ा है ना ठीक है मस्त रहो बस फालतू तो की टेंशन ले जा रहे हो कि गुरु जी एग्जाम अरे तो एग्जाम आने तो दो पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से करेंगे देखा जाएगा क्या होगा क्या होगा बी एस सी के एग्जाम है फेल हो जाओगे इससे ज्यादा क्या होगा फेल से ज्यादा क्या होगा किस बात का डिप्रेशन है कुछ नहीं आज के जमाने में ये मान लो कि कुछ भी पॉसिबल नहीं सब हो सकता है तो टेंशन मतलब तो दिमाग में की ठीक है और मस्त रहो पढ़ाई करते रहो जितना पढ़ाया पढ़ लो बस मस्त इधर उधर की टेंशन मोल लेने की आवश्यकता नहीं है ठीक है बाकी फिर आपकी टेंशन अब इन बातों को करके आपका थोड़ा माइंड है वो मैं थोड़ा डाइवर्ट कर देता हूं और फिर आ जाओ वापिस सेंटर में आ जाओ देखो मैं क्या कह रहा था आपसे ही सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है देखो अब इस सवाल को करना बिल्कुल बाया तक खेल है आपका क्यों क्योंकि सवाल को पढ़ लो किसी भी कक्षा में डेढ़ सौ विद्यार्थी हैं तो मैंने कहा कि मेरे पास में किसी भी कक्षा के अंदर यानी कि यूनियन जो आपका होगा वो हो जाएगा एक सौ पिचहत्तर डेढ़ सौ नहीं है एक सौ पचहत्तर है अब जिनमें से सौ विद्यार्थी गणित के हैं तो हमने कहा कि गुरु जी मैथ के विद्यार्थी इसमें कितने हैं सो हैं इन सवालों को करने में शानदार मजा भी आता होगा आपको ऐसी बात नहीं है सत्तर विद्यार्थी भौतिकी के हैं अरे भैया फिजिक्स के हैं फिजिक्स के हैं भैया सत्तर विद्यार्थी और छियालीस विद्यार्थी रसायन शास्त्र के हैं और केमिस्ट्री के हैं छियालीस और एक्चुअली मैं बताऊँ आपको ईमानदारी भी यही है कि मैथ में सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं मैथ के अंदर फिर उसके बाद हम फिजिक्स में और उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर अब यहां पे चलते हैं अपन आगे तीस विद्यार्थी गणित भौतिकी और अट्ठाइस विद्यार्थी अच्छा तीन ही सब्जेक्ट है क्या चलो उसके बाद में फिर कॉमन विद्यार्थी आ गए कि तीस विद्यार्थियों के पास में गणित भी है और फिजिक्स भी है मैथ भी है और भैया फिजिक्स भी है कितने भैया हैं वो तीस विद्यार्थी हैं ठीक है अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा 28 विद्यार्थी गणित तथा रसायन शास्त्र को रखते हैं तो ठीक है मैथ और केमिस्ट्री जो है वो 28 विद्यार्थियों के पास में है ठीक है और तेईस विद्यार्थी भौतिकी तथा रसायन शास्त्र एवं अट्ठारह विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं तो तेईस विद्यार्थी भौतिकी तथा रसायन शास्त्र पढ़ते हैं ठीक है तो तेईस 20... फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं तेवीस और तीनों जो पढ़ते हैं तीनों जो पढ़ते हैं यानी कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री उनकी संख्या है मेरे पास में कितनी है अट्ठारह ठीक है तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल गणित भौतिकी तथा रसायन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या याद करो केवल लगाया इसने केवल मतलब आपसे बोला जाए कि सामने रखा हुआ है मतलब आपके एक डिब्बा है पैकेट है उसके अंदर उस पैकेट में बहुत सारी टोफियां पड़ी हुई हैं एक लेयर्स भी पड़ी हुई है ठीक है और किसमी टोफी का नाम है किसमी वो पड़ी हुई है ठीक है और मेलोडी पड़ी हुई है उसके अंदर और भी सीमा टोफी जो अपन नाम लेते हैं बहुत सारी टोफियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं डिब्बे के अंदर अब आपसे मैं क्या कह रहा हूँ केवल मेरे को सीमा टोपी चाहिए तो उसमें से केवल सीमा टोपी को बाहर निकालोगे आप तो बस वही पूछ रहे आपसे कि केवल गणित के छात्रों को बाहर निकालो केवल केमिस्ट्री के छात्रों को बाहर निकालो और केवल मैथ के छात्रों को बाहर निकालो यह आपको काम करना पड़ेगा ठीक है एक सवाल ये आपका पहला सवाल है उसके बाद ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं अब ऐसे विद्यार्थियों को भी निकालना है जो इनमें से कुछ भी नहीं पड़ता है इनमें से कुछ भी नहीं पड़ता है ठीक है अब देखो इनको निकालने के दो तरीके हैं इनको निकालने के दो तरीके हैं बात समझ में आ रही है आपको अब इनको निकालने के दो तरीके कैसे हैं कि एक तो आप वेन डायग्राम बना लो ठीक है और एक आप यहाँ पे अपना आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत जो है उसको लगा के भी आप काम कर सकते हो ठीक है तो यहां पे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ मतलब ये मेरे पास सात एलिमेंट आपके सामने रखे हुए हैं सब कुछ मामला आपको दे रखा है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब आपके पास में है तो एक काम करते हैं अब इनसे मैं एक वैन डायग्राम बना लेता हूं क्योंकि वैन डायग्राम के माध्यम से ही केवल वाले जो बच्चे हैं ना वो निकल के आएंगे क्योंकि यहां से तो डायग्राम बना सकते हैं अपन चलो डायग्राम बनाते हैं अपन तो इसका तो कोई काम नहीं है इसको बुला लेंगे जब अपन को सवाल देखना हो तो बाकी सवाल भी लिख लो यार यहीं पे क्या फर्क पड़ता है भाई सवाल क्या है चलो इसको छोड़ दो ना यहीं पे अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं आओ भाई बहुत ही शिद्दत के साथ में सवाल को करेंगे आराम आराम से करेंगे देखो सबसे पहले तो हम वो डायग्राम बनाएंगे जो हम अक्सर बनाते हैं वो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे फटाफट से अपन देखो ठीक है ये हमारा डायग्राम तैयार ठीक है अब देखना भैया इसके अंदर हम यहां पे पटे देते हैं तीन गोलों को एक गोला आपके पास ये आ गया अरे भैया बना नहीं है तू यार क्या चक्कर हो गया तेरे को एक गोला ये आ गया एक गोला ये आ गया बताओ कितना सही गोला बना रहा हूं मैं और ये आपका ये आ गया ठीक है अब इनको कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट छोटा हो जा भैया थोड़ा तो यार बड़ा ज़्यादा है यार। तो यार तीनों को थोड़ा सही बनाते हैं साइज में ना ताकि थोड़ा अच्छा भी लगेगा अब सही है तो आप देख सकते हो कि आराम से यहां पे जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं ठीक है जो जो बच्चे इस प्रकार पड़ेगा आपको कि आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना पड़ेगा आपने क्या कहा था लास्ट लास्ट में सवाल को पढ़ लो आराम से एक बार सवाल को पीछे भी कर देता हूं ताकि आपको सवाल सही समझ में आ जाए वैन डायग्राम जब भी आप बनाओ तो उस प्रकार से बनाया करो पहले पीछे से सवाल को स्टार्ट करा करो ताकि क्या है कि पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाए और फिर उसके बाद में हम उसमें एंटर करें ठीक है ना तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा कि अट्ठारह विद्यार्थी हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं तो चलो भाई अठारह विद्यार्थी जो हैं वो तीनों विषय पढ़ते हैं तो हमने कहा कि ये मेरे पास में एटीन विद्यार्थी हैं अट्ठारह विद्यार्थी हैं जो कि तीनों विषय पढ़ते हैं यानी कि ये मेरे पास में आपका मैथ वाला है ये मेरे पास में आपका फिजिक्स वाला है और ये आपका केमिस्ट्री वाला है ठीक है अब इसके बाद में क्या बात बोली जा रही है आपसे इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि गुरु जी तेईस विद्यार्थी भौतिकी तथा रसायन शास्त्र में है मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तेईस विद्यार्थी और हैं तो आपने कॉमन कहा कि ये मेरे पास में ये वाला जो पूरा पार्ट है भाई मैं तो इसको इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको पता चले ये देखो ये पूरा पार्ट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिनोट करता है इसमें क्या कहा कि तेईस विद्यार्थी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं अब आपको पता है कि यार यहां पे इसको उठा देता हूं मैं यार ठीक है अब तेईस विद्यार्थी हैं तो तेईस विद्यार्थी में से 18 तो भैया कॉमन है तो इस वाले पार्ट को कैसे निकालोगे अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस पांच बच्चे ऐसे हैं जो यह फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं ठीक है उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे चला अट्ठाईस विद्यार्थी गणित तथा केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब अट्ठारह विद्यार्थी हैं जो कि गणित और केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब एक बात बताओ अट्ठारह विद्यार्थी गणित और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब इसमें देखा जाए तो अट्ठारह विद्यार्थी नहीं नहीं अरे यार गलत पढ़ रहा हूँ मैं 28 विद्यार्थी हैं 28 विद्यार्थी गणित तथा रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो मैथ और केमिस्ट्री 28 पढ़ते हैं तो 18 तो यहां पे हैं तो 10 यहां पे आ जाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा तो ऊपर चले 30 विद्यार्थी गणित और भौतिक पढ़ते हैं तो 30 विद्यार्थी ऐसे जो गणित भी पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं तो अट्ठारह यहां पे आ गए तो यहां पे कितना आ जाएगा बारह ठीक है तो ये मेरे पास में पहले अंदर वाला जो डायग्राम है ये बनकर तैयार आपका हो चुका है ठीक है अब यहां पे हम पर्सनली इनको लिख लेते हैं कि मेरे पास में मैथ के जो स्टूडेंट थे मेरे पास में वो कितने हैं पर्सनली मैथ के सो भाई एक सौ पिचहत्तर विद्यार्थी है ना तो सो तो है गणित के अंदर और सत्तर विद्यार्थी हैं फिजिक्स के अंदर ठीक है और यहाँ पे छियालीस विद्यार्थी हैं केमिस्ट्री के अंदर ठीक है तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बताओ कमेंट करके एक बार बताओ कि आपको डायग्राम में कहीं दिक्कत है क्या ठीक है एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं पे कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई होगी तो उसको अपन तुरंत सही कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा आपको सही करने का एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा सही करने का ये तो यही मौका है यहीं पर सही कर लो ठीक है तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैंने सही लिखा है ठीक है बिल्कुल सही लिखा है मैंने भैया ठीक है अब एक बच्चा मेरे से कमेंट करके बोलता है अभी तुरंत अभी के अभी वो क्या कह कहता है कि गुरु जी एक बात बताओ मैंने कहा भाई बताओ वो कह रहा है कि सर आ एक बात बताओ अभी हमें एक क्वेश्चन में दे रखा था जैसे गिवन मैंने लिखा अभी मैंने खुद मैंने थोड़ा एब्जर्व किया कि मैथ में सौ बच्चे हैं फिजिक्स में सत्तर बच्चे हैं और केमिस्ट्री में छियालीस बच्चे हैं टोटल बच्चे मैथ में सो हैं फिजिक्स में इतने हैं केमिस्ट्री में इतने हैं, ठीक है तो फिर एक बात बताओ जब आपने वैन डायग्राम बनाया तो आपने तो सो बच्चे यहीं पे लिख दिए फिर मैंने कहा यार बच्चे की बात तो सही है क्योंकि सो में से नाइन्टी परसेंट रहा नाइन्टी फाइव बोल लो यही गलती करेंगे बच्चे उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहे हैं भाई उन्होंने को पीछे से पढ़ा और एक एक के बारे में लिख दिया कि भाई इतना कॉमन ये है इतना कॉमन ये है इतना, इतना आप कहोगे जो बच्चे हैं वो मेरे पास सो थे अब सो बच्चे मेरे पास टोटल है लेकिन ये कहा जाएंगे फिर तो आपने क्या करा कि सो में से माइनस करा कितना देखो तीस और चालीस तो ये मेरे पास में आएगा साठ तो केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं केवल वो आ गए मेरे पास यहाँ पे साठ क्योंकि ये जो सेक्शन आपका बच रहा है ना ये ये केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भैया आराम से इस गलती का ध्यान रखना थोड़ा सा और यहां पे हमारे पास ये जो पोर्शन आएगा ना ये वाला पोर्शन यहां पे अपन लिखेंगे सिक्सटी क्यों क्योंकि ये केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं फिर यहां पे आ जाते हैं पीछे भैया यहाँ पे हमारे पास 7, ने लिख दिया था टी फोर्टी सिक्स लिख दिया था अब आप बताओ भैया फटा फटाफट यहाँ पे कितना आएगा और पैंतीस सत्तर था टोटल पैंतीस और यहाँ पे कितना था भैया छियालीस कितना था मेरे पास में ये टोटल था मेरे पास केमिस्ट्री के छियालीस बच्चे यहां पे कितना देखो यहां पे है दस बीस अट्ठाईस और आठ 33 बच्चे हैं तो में से तैतीस को माइनस कर दोगे तो ये बचेगा आपके पास में जो केमिस्ट्री के, हैं। बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के हैं। तो अब आपका पहला सवाल क्या था भैया सवाल के अंदर मैं आराम से खड़ा हूं यहां पे मुझे कोई जल्दी वजह नहीं है सवाल जब तक कंप्लीट होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा सवाल में आपसे पहला सवाल क्या पूछा था कि भैया आपके जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले केवल फिजिक्स पढ़ने वाले और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी तो आपके पास आंसर आ गया है केवल मैथमेटिक्स 60 बच्चे केवल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे 35 और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे आपके पास 13 आ चुके हैं तेरह आ चुके हैं तो पहला सवाल जो है उसका आंसर तो आपको मिल चुका है देख लो आप ठीक है पहला क्वेश्चन तो उसके बाद में दूसरा जो सवाल है ना इसके अंदर वो बहुत शानदार है पहला सवाल तो चलते रहा चलते बच्चे आराम से इसका आंसर दे सकते हैं लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है यहां तक कंप्लीट मामला है या नहीं है आप कमेंट करके बताओ वेन डायग्राम कैसे बना है नहीं बना है सब कुछ आपका दिमाग एकदम होना चाहिए क्लियर आराम आराम से पढ़ा रहे ठीक है थीके? और क्लास लंबी होती है तो उसको लिया करो फिर बोलते तो हो कि क्लास दो घंटे के ले लो तीन घंटे ले लो पाँच घंटे के ले लो और फिर जैसे ही एक डेढ़ घंटे क्लास होती है क्लास छोड़ के भग जाते हैं कोई क्लास नहीं लेता हालांकि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है मैं तो क्लास लूंगा लेकिन फिर भी कमेंट तो कर दो ना फिर फिर बाद में कॉल करते हैं गुरु जी वो आपने बताया नहीं था क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करी लाइव फिर हमारे पास टाइम नहीं है इतना ठीक है तो ये देख लो आप वेन डायग्राम आपका पहला सवाल हमारा क्लियर हो ही चुका है कि ये पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था कि केवल मैथमेटिक्स में कितने हैं सिक्सटी मेरे पास में केवल फिजिक्स में कितने बच्चे हैं मेरे पास में मेरे पास में है भैया थर्टी फाइव और केवल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे जो मेरे पास में हैं वो है मेरे पास थर्टी तेरह बच्चे मेरे पास आ चुके हैं ठीक है दूसरा सवाल जो है ना वो है वेरी वेरी मोस्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन था कि अब मैं पढ़ लेता हूँ एक बार सवाल क्या है सेकेंड सवाल इसका यह था कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो उपरोक्त में से कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे बच्चों की संख्या निकालो ऐसे बच्चे जो इनमें से जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है अब आपका दिमाग हो गया कंफ्यूज अब आप में से क्या बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है भाई यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या तो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या फिर मैथ पढ़ रहे होंगे इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा खाली भी होगा तो आपका दिमाग तो आपसे यही कहेगा कि गुरु जितने बच्चे हैं भाई यहाँ पे देखो जितने बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे ठीक है लेकिन उसने सवाल आपसे पूछ लिया उल्टा कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी संख्या जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं उनकी संख्या बताओ हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ठीक है तो आपका कमेंट क्या आता है मैं उसका वेट करता हूं मैं मैं बैठा हूं आराम से ठीक है मैं फ्री हूं एकदम मुझे तो आप ये बताओ कि ऐसे कौन से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते उनको कैसे निकालेंगे हम आप खुद बताओ मुझे कमेंट करके बताओ भैया कमेंट देख रहा हूँ मैं सभी के कौन कौन देख रहा नहीं देख रहा आप फिर बाद में मैं, मैं लाइव क्लास लेना बंद कर दूंगा नहीं तो फिर फिर, फिर मैं बाद में कह दूंगा बुक से पढ़ लेना आ भाई कमेंट नहीं आया अभी तक किसी का भी क्या हुआ भैया अभी तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे गुरु जी दो घंटे क्लास लिया करो नहीं, नहीं गुरु जी तीन घंटे लिया करो नहीं नहीं चार घंटे लिया करो थोड़ी बड़ी क्लास लिया करो कहाँ गए अब मुझे पता है कोई नहीं रुकेगा केवल दो तीन बच्चे देख रहे हैं बस उसके अलावा जो फेंक रहे थे भी थोड़ी देर पहले कमेंट कर करके जा रहे थे ना वो एक भी नहीं है इसके अंदर अभी क्योंकि मुझे सभी के नाम शोर हैं कि कौन यहाँ पे क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा और कितने बच्चे किस टाइम पे आए थे किस टाइम पे उसने कमेंट किया सब पता है मुझे यहाँ पे लो जी यार बच्चों में कहते रहूँ एकॉलॉजी करने में पढ़ाई करने में रात दिन का फर्क है कमेंट करो ना भैया कितना आंसर आएगा आंसर बताओ भाई फटाफट से अगर समझ में आ गया है आपको तो क्या नाम से आंसर निकाल के बताओ समझ में आ गया है भैया तो मको आंसर निकाल के बताओ भैया कछु का आवे को यहाँ पे चलो कोई बात नहीं है नहीं पता है तो अब थोड़ा सा हम बता ही देते हैं ठीक है प्यारे बच्चों पहले तो सवाल को समझो क्योंकि मुझे पता है जब हमने इस सवाल को पहली बार पढ़ा तो मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया था मैं सोच रहा था कि यार ये सवाल जो है ना वो शायद एग्जामिनर ने गलत पूछ लिया ये सवाल है ही नहीं ऐसा कोई भैया खुद सोचो मैं खुद कन्फ्यूज हो गया कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले बच्चे हमने दिखा रखे हैं अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं अब एक बात बताओ एक क्लास है उस क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे वो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ना लेकिन ये सवाल उल्टा है लेकिन नहीं है अब देखना ध्यान से हमने क्या करा हमने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में फोकस करना कि अपने पास टोटल बच्चे जो है ना टोटल वो है मेरे पास में एक बच्चे हैं टोटल बच्चे अब टोटल एक बच्चे हैं अब आपको पता है कि हमने क्या किया है बताओ भाई हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया है कि भाई मेरे पास में जितने भी बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ रहे थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तो अगर मैं यहाँ पे मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री अगर मैं निकालूंगा तो तेरह पांच अट्ठारह दस बारह पैंतीस साठ को जोड़ लो ये जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आएगा एक सौ तिरपन और जब मैंने यहां पे एक सौ में से एक सौ तिरपन को घटा दिया तो मेरे पास कितना आएगा भैया तो बाईस बच्चे ऐसे हैं जो कि नालायक हैं आपकी तरह और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं देख लो भैया तो कैसा निकाला जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास में थे एक सौ पिचहत्तर उसमें से मैंने आपका ए मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों में से निकाल दिया उनको तो कितने आए बाईस तो ये आ गए मेरे पास तो ये उन बच्चों की संख्या है जो कुछ भी नहीं पढ़ते बैठ आराम से गुटखा पानी खाते हैं पीछे पीछे क्लास में बैठ के और आराम से मौज करते हैं भैया मस्ती करते हैं और एक सबसे बड़ी गलत मैं बताऊँ आपको आपने ये तो सुना होगा कि जो मतलब पीछे पीछे बैठ रहते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ठीक है ऐसा सुना होगा आपने ना बैंक वेंचर बैंक वेंचर सॉरी वो इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में अच्छा होते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं एक स्कूल होगी उस एक स्कूल के अंदर पीछे जो बेंच में बैठते होंगे ना उनमें से एक आध बच्चा ऐसा होगा जो कोई इंटेलिजेंट होगा उस एक आध बच्चे के चक्कर में बाकी के जो बच्चे हैं गुटखा खाएंगे क्लास के अंदर ये आज की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आज की स्कूलों की पोजीशन पीछे बैठ के गुटखा खाएंगे पीछे बैठ के फोन चलाएंगे पीछे बैठ के पढ़ाई तो करेंगे नहीं पीछे बैठ के सो जाएंगे और फिर उनको क्या फील होता है उनको फील भी ये होता है कि हम तो बैक बेंचर हैं हमारे में तो दिमाग है दिमाग हम आराम से कर सकते हैं सवालों को ये उनकी गलत फहमी है तो बैक बेंचर हो तो पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी तुमको अब वो गुटखा खाते हैं बीडी पीते हैं पीछे बैठ के ये आज की के स्कूलों के हालात है ये तो आपको पता होगा खैर आप निकल के आए हो ट्वेल्थ क्लास के अंदर तो आपको पता होगा आपके मन में उन बच्चों का इमेज बन रहा होगा जो पीछे बैठ के आराम से ये काम करा करते थे ठीक है हालांकि देखो किसी भी बच्चे का भविष्य अपन तय नहीं कर सकते ना तो मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हो हम केवल बातचीत कर सकते हैं अब वो उसकी जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका रिजल्ट उसी को मिलेगा अपन को कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर मस्त रहो फ्री रहो तो ये सवाल आपको समझ में आ गया नहीं आया होगा तो आ गया होगा सर्दी में जुगाड़ करके रखा करो भैया किधर से सर्दी आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा अपन को सर 22 बच्चे आएंगे मोनिका प्रजापति देखो रिजल्ट जो निकालेंगे यही बच्चे निकालेंगे ठीक है तो इसलिए भैया आप क्या कर सकते हैं बताओ इसलिए ये निकालेंगे रिजल्ट होता और क्या कहूं मैं भी <laughs> ठीक है तो एक काम करता हूँ आज मैं इस बच्चे से बात करता हूं बैठ के ना मोनिका प्रजापति से एक काम करना आप मेरे को क्लास के बाद कॉल करना ठीक है थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न बताऊंगा छोटी सी छोटी मोटी बातें हैं ठीक है आपके लिए स्पेशल आपके लिए बताऊंगा मैं ठीक है क्योंकि आप जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और भी एक्स्ट्रा तो मोनिका आप एक काम करना जैसे क्लास अभी ख़त्म होती है आप मेरे को कॉल करना ठीक है कोल भी यार अब क्या करूँ मैं यार देखो मेरे पास क्या है कि अब अपने पास लगा दिए मैंने काम करने वाले दो चार तो वही संभालते हैं अब एडिटिंग का काम का का, क्लास डालने का काम कॉल का, अटेंड करने का काम व्हाट्सअप मैसेज वैसेज जो भी है सब कुछ वो संभालते हैं मैं तो आराम से बैठ के क्लास लेता हूं बस अपना काम ये है लेकिन फिर भी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा मैं एक बार टीम को बोल के कि इनके नंबर मेरे को सेंड कर दो मुझे इनसे बात करनी है कुछ पर्सनल बात करनी है मैं यहां पे नहीं बताऊंगा आपको पर्सनल तो कुछ भी नहीं है आपके भविष्य की बात है और बाकी बच्चों के काम के नहीं है ना वो बात क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये काम की बात है जो नहीं होते हैं उनके लिए नहीं है ठीक है अब मेरे प्यारे बच्चों हम तो देखो इसी मस्ती से आगे बढ़ेंगे ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है देखो डायग्राम जो है ना वैन डायग्राम अब जब हम खुद पढ़ते थे तो टीचर जब वैन डायग्राम बनाते थे ना तो हमें ये पता नहीं चलता था कि वो वैन डायग्राम में बना क्या रहे हैं अब आप देखो सुस्पष्ट तरीके से आपके दिमाग में जो वैन डायग्राम की इमेज है वो कितनी शानदार बन रही है हम जब पढ़ते थे तो वो तो टीचर पता नहीं क्या ही बनाते थे रंगीन कर देते थे पूरे बोर्ड को ठीक है और मजा बिल्कुल भी नहीं आता था बिल्कुल भी नहीं आता था ये मान लो आप बिल्कुल भी मजा नहीं आता था ठीक है भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत कौन को है चलो चलो अच्छी बात अच्छी बात है चलो अब ये सवाल अपना कंप्लीट हो चुका है यार इसको उठाओ फिर चलो अब मैं यहाँ पे मोर में इंसर्ट में जाता हूँ और मैं पिक्चर्स में जाऊँगा और टेलीग्राम में जाऊँगा और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरा था इसको ले आता हूँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को समझेंगे तह तक पहुंचेंगे उसके बाद में देखते हैं कि सवाल में है क्या दिख रहा है आप सभी को सवाल थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं हाँ भाई थोड़ा इधर कर देंगे सवाल सभी को दिख रहा है क्या प्रॉपर तरीके से यह तरीका शानदार है भैया नहीं तो अब तू सोचो आप सोचो अगर कर... मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था तो इस सवाल को मैं कैसे बताता कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल भी नहीं बन पाता तो इसलिए मैंने कहा कि यार चलो बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड ले ही आते हैं मेरे लिए फ़ायदा है मैं खुद को लिखना नहीं पड़ता मेरे को और मिटाने में बहुत ज़ोर आता था यार बहुत ही ज़्यादा ज़ोर आता था अब यहाँ पर तो पढ़ाने में आधा उठ के चलो भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ाना आ जाओ अब यहाँ पर मेरी बात सुनो सवाल को पहले बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ो बिल्कुल प्यार प्रेम वाली कहानी इसके साथ बताओ और फिर ये सवाल आपको बिल्कुल इसका आंसर दे देगा निकाल के बिल्कुल तरीके सुनना ध्यान से ठीक है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ा मैंने और मैंने देखा पिछली बार मैंने देखो इंग्लिश मीडियम में सवाल नहीं पढ़ा था इस बार पढ़ देंगे नाराज मत होना देखो ठीक है यार नाराज मत होना और हो भी जाओगे तो क्या कर लोगे ठीक है, ठीक है। देखो 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल क्या भैया क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल ठीक है एक काम करते हैं सुनना ध्यान से क्रिकेट हॉकी ठीक है और फुटबॉल ये तीन यहां पे गेम है ठीक है तो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल ये मेरे पास में देखो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल से कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है अरे ये क्या बात हुई फोर्टी टू विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट हॉकी तथा फुटबॉल से कम से कम एक खेल तो अवश्य खेलता ही खेलता है ठीक है अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है इसको बाद में छोड़ेंगे अब आगे चलते हैं ठीक है इस लाइन पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सवाल है ना वेरी वेरी मोस्ट सवाल है लगा लो इसके ऊपर वेरी वेरी मोस्ट जितना लगाना चाहते हो ये एग्जाम में आ सकता है कुल चौदह विद्यार्थी क्रिकेट अब है ना मेन बात तो क्रिकेट खेलते हैं चौदह विद्यार्थी उसके बाद में बीस विद्यार्थी खेलते हैं हॉकी और चौबीस तो विद्यार्थी खेलते हैं फुटबॉल उसके बाद तीन विद्यार्थी क्रिकेट तथा फुटबॉल तो तीन विद्यार्थी क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं तो ये तीन विद्यार्थी मैंने लिख लिया यहाँ पे और दो विद्यार्थी खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी दो विद्यार्थी खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी दो विद्यार्थी ठीक है दो विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं जबकि कोई भी विद्यार्थी तीनों गेम नहीं खेलता है देखो भैया ए इंटरसेक्शन बी अब बी तो खैर क्यों लिखेंगे यार यहाँ पर जो हम खेल ले रहे ना क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी भैया ये गेम कोई नहीं खेलता है जीरो ऐसे विद्यार्थी जीरो हैं ठीक है तो यहाँ पे जबकि कोई विद्यार्थी तीनों गेम नहीं खेलता है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते हैं अब आपको क्या निकालना है भैया उन विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते हैं ठीक है अब यहां पे इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये लेकिन थोड़ा ध्यान समझना देखो पहली बात तो मैं आपको ये नोट यहां पे करवाना चाहूंगा कि कोई भी तीन एलिमेंट वाला फॉर्मूला जब अपन बनाते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं बच्चे कहेंगे सर आविष्ट पूजन सिद्धांत का अगर तीन एलिमेंट वाला फॉर्मूला है तो उसमें सात एलिमेंट आते हैं सात हमें कितने दे रखे यहां पे एक दो तीन चार पांच और छह कहीं ना कहीं एक एलिमेंट मुझे नहीं दिया गया है पहले तो वो मुझे निकालना पड़ेगा ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है वो इसीलिए है कि यहां पे आप फोकस करो ना भाई क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे तीन हैं फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले बच्चे दो हैं लेकिन एक इंटरसेक्शन अभी भी नहीं दिया हुआ है वो वो गायब है वो गायब है तो उसे मुझे निकालना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे वो बच कौन सा गया है वो बच गया है कि क्रिकेट और हॉकी हिसाब से बात है कि सी इंटरसेक्शन एच आपको नहीं दिया गया इसके अंदर देख लो आप भाई सी इंटरसेक्शन एफ तो दे दिया और एफ इंटरसेक्शन एच भी दे दिया लेकिन क्रिकेट और हॉकी कितने खेलेंगे कोई पता ही नहीं है तो यहां पर वो एक टर्म गायब है पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा और फिर आएंगे इसके सवाल के ऊपर कि भैया उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते कितने खेलते हैं पहले वो तो निकालो ठीक है पहले सवाल को एक बार देखो ध्यान से पढ़ो मैंने तो बोल दिया जो बोलना था लेकिन आपके समझ में कुछ बैठा कि नहीं बैठा है आप एक बार फटाफट -फड़ से देखो समझो इस सवाल को फिर मैं आगे चलता हूं भैया कमेंट कर दो भाई आओ कमेंट ठीक है और यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था स्टार्टिंग में ये सर ये जो फोर्टी टू मेरे पास में जो है ये क्या है देखो बियालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में से कम से कम एक गेम खेलता है तो आपने देखा कि बियालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में कहने का मतलब मेरे पास एक कक्षा है उसमें फोर्टी टू स्टूडेंट है तो कहने का मतलब मेरे पास में जो यूनियन का मान आ गया वो मेरे पास में फोर्टी टू ठीक है उसके बाद की बात नहीं है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सी एच एफ ये सब आपको मान दे रखे हैं और यूनियन का मान भी आपको फोर्टी टू दे रखा है लेकिन आपको मैंने बोल दिया था ना अभी कि भैया मेरे पास में क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या नहीं दे रखी है तो पहले तो मुझे वो निकालनी पड़ेगी क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या नहीं दे रखी है तो भैया मुझे वो निकालनी पड़ेगी कमेंट करो और देखो आपको पता है कि ये कैसे निकालना पड़ेगा छोटा सा काम है बिल्कुल वो तो आपको पता है लेकिन वो निकाल देंगे पहले आप देखो सवाल को पढ़ो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नाराज मत होना भैया ठीक है मैं पढ़ दे रहा हूँ इन ए क्लास ऑफ फोर्टी टू स्टूडेंट्स इच स्टूडेंट्स प्लेस एट लीस्ट वन ऑफ दी वन ऑफ़ थ्री गेम्स क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल इफ वो फाउंड दैट फोर्टी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड ट्वेंटी प्ले हॉकी एंड ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड आगे लिखर है थ्री स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड टू स्टूडेंट्स प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट प्ले ऑल थ्री गेम्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज प्ले क्रिकेट केवल क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं ऐसे बच्चों की संख्या निकाल दी लेकिन पहले तो ये निकालो भैया कि क्रिकेट हॉकी दोनों कितने खेलते हैं वो तो निकालो क्योंकि वो मिस है इसके अंदर देख लो एक बार सवाल को देखो पढ़ो सीखो कि सवाल में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है बहुत ही आराम आराम से मैंने सवाल को बताया आपके मन में कुछ भी डाउट चल रहा है एनी थिंग वो पूछ लो मेरे से आप अभी के अभी नहीं फिर बाद में नहीं बताऊंगा मैं सिंपल सी बात है यार ठीक है भाई समझ में आया सभी को अरे समझ में आ गया कि नहीं आया है क्या कहानी है क्या नहीं है ठीक है एक बार पूरा देख लो ध्यान से चलो भाई तो एक काम करते हैं फटाफट से अपन इस पूरी वैल्यूज की सहायता से मैं कमेंट भी देखूंगा लेकिन एक बार इसको करने के बाद देख लेंगे ठीक है अब एक काम करना भैया सभी को पता है फॉर्मूला तो मैं जानता ही हूँ क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास में कि ये मेरे पास में देखो क्रिकेट इंटरसेक्शन तो खैर क्यों लेंगे हम यूनियन हो हॉकी मेरे पास में इंटरसेक्शन फुटबॉल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा का? कार्ड सी प्लस में कार्डलेटी एच प्लस में कार्ड एफ माइनस का कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला बहुत ही गलत है ठीक है यहाँ पे क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी ले लो आप ठीक है फिर माइनस करोगे आप किसको यहाँ पे क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल फिर आप माइनस करोगे हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल और फिर लास्ट में प्लस करोगे हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल सबका मान पता है आपको सबका तो निकाल लो फटाफट से मान देखो मैंने यहाँ पे मान निकाला तो देखो इसका मान फोर्टी टू आपको दे रखा था क्रिकेट का जो है मान वो मैं आपको बता देता हूँ है, वो है फोर्टीन प्लस में हॉकी का ट्वेंटी है प्लस में फुटबॉल का जो मान है वो मेरे पास में चौबीस ठीक है और आपको यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी कितने खेलते हैं वो तो निकालना ही है ठीक है अब यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं भैया क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे तीन तो माइनस का यहाँ पे तीन कर दी और इसके साथ साथ में माइनस का तीन हो जाएगा और हॉकी और फुटबॉल कितने खेलते हैं दो ये मैं पीछे से लिख रहा हूँ भैया ठीक है और प्लस मेरे पास हॉकी फुटबॉल क्रिकेट कोई भी नहीं खेलता है अब देख लो ये मान वहीं से लिखे मैंने जो मैंने यहाँ पे लिखे थे तीन दो चौबीस तो बीस चौदह ठीक है बयालीस और वो अपन को निकालना है ठीक है फटाफट पूरी कैलकुलेशन करते हैं अपन तो यहां पे अपने को देखने को मिलता है कि मेरे पास जो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या है वो निकलती है मेरे पास में कितनी ग्यारह ठीक है कैलकुलेशन कर लेना भैया ठीक है वो निकलती है मेरे पास में ग्यारह ये देख लो आप ठीक है तो अब आपके पास पूरा सामान आ गया कंप्लीट अब मैं वेन डायग्राम आराम से बना सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहां पे चुपचाप से वही अपना जो वेन डायग्राम था तो उसको बना लेते हैं देखो भैया मैंने यहाँ पर अपना वैन डायग्राम बनाना चालू किया ये देखो बना देते हैं फटाफट आराम आराम से देखो ठीक है अब यहाँ पे अब देखो यहां पे आ जाओ चलो अब सुनना मेरी बात ध्यान सुनना अब देखो कि मेरे पास यहां पे एक तो अपना है क्रिकेट वाला सिस्टम एक मेरा है हॉकी और एक मेरा है फुटबॉल सभी को पता है बात तो ठीक है एक मेरा क्रिकेट है एक मेरा फुटबॉल है एक मेरा हॉकी है ये तो कुछ ज्यादा पता नहीं हो गया हाँ भाई तो ये मेरा है फुटबॉल और ये है मेरा क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी ठीक है ये मेरा हॉकी हो गया अब यहां पे सारी बातों को एक एक करके लिखो आपने क्या कहा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो तो मैंने कहा भैया जीरो हाल तो टेंस लेने की आवश्यकता कहां पड़ रही है जीरो मेरे पास में है ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं कि चलो ठीक है मान लिया और आपके पास पूरा मामला निकल के आ गया था और अभी हमने निकाला भी था यहां पे देखो कि मेरे पास में जो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले वो ग्यारह हैं तो देखो मैंने यहां पे देखा कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे ग्यारह हैं तो सही बात है यहां पर तो जीरो आ गया है तो ग्यारह ही आएगा ठीक है फिर आप देखो यहाँ पे ध्यान से मैं तो यहाँ से देख के लिख देता हूं कि मेरे पास में जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे थे फुटबॉल और क्रिकेट वो कितने थे भैया तीन बच्चे थे यहाँ पे और हॉकी और फुटबॉल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे दो थे ठीक है अब एक बात बताओ मुझे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने थे टोटल चौदह थे अब यहाँ पे फोर्टीन मेरे पास में है ठीक है तो फोर्टीन में से यहाँ पे ग्यारह और तीन तेरह तो माइनस कर दो तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए मेरे पास में वन केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने आगे पास में वन देख लो आप अपने हिसाब से मामला सेट मैं कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आप देख सकते हो कि टोटल जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे थे फोर्टीन थे मेरे पास फोर्टीन ठीक है और यहां पे आपने देखा कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे ग्यारह मेरे पास आ चुके हैं ठीक है और बिल्कुल सही बात है कि एक मिनट रुको सही है कि ये, मैं देख लेता हूं एक बार क्रिकेट खेलने वाले कितने थे हाँ भाई 14 ही थे कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे इसके बाद देखो मैं यहां पे बात करता हूं कि अपना ये वाला, खेलने वाले बच्चे कितने थे फुटबॉल खेलने वाले थे चौबीस में से मैं माइनस कर दूंगा तीन और दो पांच को तो कितना आ गया मेरे पास में यह आ गया मेरे पास में उन्नीस तो उन्नीस बच्चे ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं ठीक है उसके बाद <coughs> गला ही बैठ गया यार उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी खेलने वाले बच्चों की तो हॉकी खेलते हैं बीस बच्चे और बीस में से मैं माइनस कर दूंगा ग्यारह और दो 13 तो कितना आ गया मेरे पास में सात बच्चे ऐसे आ गए जो केवल हॉकी खेलते हैं ठीक है अब यहां पे एक बात बताओ एक छोटी सी बात बताना मेरे को अब सवाल क्या पूछा गया था उस पर गौर करते हैं अपन ठीक है सवाल क्या पूछा गया था उस पर गौर करते हैं अब सवाल ये पूछा गया था कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते हैं अब एक बात हो वो पानी की तरह साफ है उन बच्चों की संख्या जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं आप बच्चे के पास में ऑप्शन कितने रह गए बच्चा आंसर क्या करेगा सुनना मेरी बात बच्चा यहां पे पहला आंसर करेगा कि सर क्रिकेट खेलते हैं मतलब क्रिकेट खेलने वाली संख्या की एक है ठीक है लगभग 95 परसेंट बच्चों का आंसर यही होगा कि सर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या केवल एक हो गई मेरे पास में तो भैया वो कह रहा है कि हॉकी नहीं खेलते तो हॉकी भी नहीं खेलते हैं ठीक है और ये मेरे पास में आ, क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं तो साफ सी बात है मैंने देखा कि यार यहां पे क्रिकेट खेलने वाली संख्या तो एक है लेकिन उसने क्या कहा है उस स्टेटमेंट उस को बार बार तोड़ मरोड़ के सुनो उसने कहा कि उन बच्चों की संख्या निकालो जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं अरे तो उसने ये थोड़ी मना किया है क्रिकेट खेलते हैं हॉकी नहीं खेलते अरे तो फुटबॉल तो खेल सकते हैं वो बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं खेल सकते हैं फुटबॉल ठीक है तो इसका मतलब है कि यहां पर आप देख सकते कि हो कि हॉकी नहीं खेलने चाहिए तो देखो हॉकी का जो पार्ट आपका रहा है देखो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है मैं आपको बताता दूं थोड़ा सा क्लियर तरीके से ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना मेरे पास ये वाला देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो मेरे पास में है ये है पूरा जड़ का काम पूरा जड़ का मूल जो कहते हैं ना अपन वो है मेरे पास ये अब उसने क्या कहा कि भैया वो बच्चा जो है ना हॉकी नहीं खेलना चाहिए तो इस तीन में से इस जीरो वाले पार्ट को भी आप हटा दो हॉकी तो उसको टच भी नहीं करवाना तो भैया ये पूरा पार्ट हॉकी का ही तो है तो अब ये क्या पार्ट बच गई जो मेरे पास तीन आया है ये वो बच्चे हैं जो हॉकी नहीं खेलते क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एक बच्चा क्या कहता है मेरे से कि सर एक काम करो आप तीन में एक भी जोड़ दो तो मैं एक क्यों जोड़ू मैं एक क्यों जोड़ूंगा एक तो वो है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं दिमाग चकरा गया अरे दिमाग सुन हो गया क्या दिमाग तो लगाना पड़ेगा ऐसे नहीं कि फ्री फोटो नंबर मिल जाएंगे आपको ऐसा भी नहीं होगा लेकिन हम आपको वहां तक सोचने की परमिशन दे रहे हैं जहां तक आप सोच सकते हो भैया आप खुद सोचो एक बार दिमाग लगाओ उसने कहा कि ऐसे बच्चों की संख्या निकालो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते अब मैं ही हूं सपोज करो मैं क्रिकेट खेलता हूं और हॉकी नहीं खेलता मैं तो मैं फुटबॉल खेल सकता हूं ना तो भैया यहां पर क्रिकेट खेलने वाली संख्या केवल तीन आएगी ऐड नहीं करेंगे अगर वो ये कहता कि केवल खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालो तो एक आ गई मेरे पास एक मेरे पास में आ गई क्या दिक्कत बताओ वो कहता कि केवल हॉकी खेलने वाले साथ केवल फुटबॉल खेलने वाले मेरे पास में उन्नीस है और बाकी के तो फिर आंसर दे रखे हैं उसने तो आप यहाँ पर इस एक को ऐड मत करना आंसर तो मैंने बता दिया है ठीक है और मेरा जो स्टेटमेंट है वो हमेशा के लिए यही रहेगा लेकिन आप स्टेटमेंट को बार बार सुनना देखना वीडियो को एक बार दोबारा देखना कि मैं कह क्या रहा था और आपने क्या समझ लिया था आप एक बार कमेंट करके बताओ कि मेरे पास आंसर आया कि नहीं आया फटाफट फटाफट यहाँ पे आंसर आया है कि नहीं आया है तो इस बात का ध्यान रखना आप बिल्कुल तरीके से बड़ा बड़ा कमेंट करो तब तक मैं कुछ बात बात करता हूँ एक कॉल आ रहा है कमेंट टमेंट कर दो कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मोनिका का कह रही है कि सर नो स्टूडेंट्स आएंगे देखो यार मेरे हिसाब से तो देखो जहाँ तक गलती भी हो सकती है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसने पूछा है कि भैया क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या आनी चाहिए भाई कमेंट करके बता दो कोई समस्या है किसी को नहीं है तो यहाँ पर नो बच्चे जो हैं वो नहीं आएंगे आपके पास जो बच्चे आएंगे वो आएंगे मेरे पास केवल और केवल तीन आएंगे उन्नीस खेलने वाले नो कहाँ पे आ गए भैया नो तो आएंगे नहीं बताओ कैसे आ जाएंगे नो ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही और अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ आज का आज पढ़ना इस पूरे बैट को इस पूरे सेट वाले चैप्टर को कुछ दिक्कत आती है ठीक है और कुछ क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना और फिर मैं कल जो क्लास आपकी होगी और कल का मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है ठीक है कितने बजे होगी आपकी शाम को हुआ करेगी क्लास अब आपकी जो क्लास है वो शाम को हुआ करेगी और वो भी पांच से पांच से नहीं छः से सात छः से सात पी एम आपकी क्लास का टाइमिंग शिफ्ट हो चुका है छः से सात पीएम आपकी क्लास का टाइम रहा करेगा ठीक है कोई समस्या किसी को नहीं है आज लिए इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब के लिए टेक केयर बाय बाय धन्यवाद जय हिंद जय भारत